चले दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, एंड दैट इज आइडेंटिफाइंग अ लीज। दिस इज रेलेवेंट फॉर लेसी एज वेल एज द लेसर। पहले मुद्दा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लीज इन्वॉल्व है या नहीं। आप लॉजिकली सोचो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज कब इन्वॉल्व होगी। तो लीज का मतलब एक तरह से समझ में आया कि हमें किसी असेट को यूज करने का अधिकार मिल रहा है, तो वो लीज है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई असेट यूज करने का अधिकार मिल रहा है, यानी एकदम बोलचाल की भाषा में, मैं कोई मशीन या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग या कोई पर्टिकुलर असेट अगर किसी से कुछ समय के लिए ले लूंगा तो वो लीज है। प्रिसाइसली, ये अपने आप में एक बहुत ही बेसिक सिंपल केस ऑफ लीज हो गया। बट देन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच वी कीप ऑन सीइंग। एंड व्हेन आई से कॉम्प्लिकेटेड, दैट मींस प्राइमा फेसी वो देख के शायद लगेंगे नहीं कि लीज है, बट हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार की लीज इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीज, आई एम अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। फोटोकॉपियर मशीन ने मेरे यहाँ पे एक फोटोकॉपी मशीन रख दी है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं फोटोकॉपी सर्विसेज ले रहा हूँ, या ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं मशीन रेंट पे ले रहा हूँ? आप कहोगे सर कि अगर मैंने मशीन का रेंट फिक्स कर दिया है कि भैया आपको महीने के इतने रुपए दूंगा, तो शायद ये रेंटिंग का मशीन होगा, यानी दिस कुड बी अ लीज। लेकिन आप प्योरली अगर नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे पैसे दे रहे हो, तो फिर शायद ये टेकिंग सर्विसेज ऑफ फोटोकॉपी होगा। और अगर मैंने इधर और कर दिया कि भाई मिनिमम मैं आपको इतना पैसा दूंगा और इससे ज्यादा कॉपी हो गई तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप देखते हैं, आज ब्रॉडबैंड कनेक्शन में लगाता हूँ तो एक इक्विपमेंट मेरे घर पे रख दिया जाता है, राउटर। और वो राउटर बेसिकली मेरे काम आएगा प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग दैट ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एंड दैट इज एक्चुअली बंडल्ड अलॉन्ग विद द ब्रॉडबैंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं कह सकता हूँ वो असेट मेरे पास लीज पे आया? ऑब्वियसली ये लो वैल्यू है, इसका मतलब इस पे मैं शायद लीज की अकाउंटिंग नहीं लगाऊंगा। बट देन माय ऑब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ इज नॉट अकाउंटिंग, बट टू गेट अ पर्सपेक्टिव एज टू व्हाट इज अ लीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर कोई एक जगह किराए पे लेता हूँ, तो आई हैव टेकन अ फ्लैट ऑन रेंट फॉर 5 ईयर्स, दिस इज डेफिनेटली अ लीज। बट इसी लॉजिक से सपोज मैंने एक फ्लैट जो मैंने 5 साल के लिए किसी से लिया है, वो अपने आप में लीज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्लैट के अंदर आई हैव व्हाट गैस कनेक्शन, और ये गैस कनेक्शन में गैस सिलेंडर मेरे पास रहता है, और ये सिलेंडर मैं यूज करता हूँ, और जब खाली हो जाता है तो इसे देके रिप्लेस करा लेता हूँ दूसरे सिलेंडर से। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तब तक वो सिलेंडर भी मेरे पास रखा हुआ है, और उसके लिए मैंने सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है गैस एजेंसी को। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक तरह से लीज पे उस सिलेंडर को लिया है? सर इसमें कोई रेंट तो पे हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी रेंट फॉर इट, हमने तो सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, जैसा जियो ने किया था, अपने मोबाइल फोन्स दिए थे अगेंस्ट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसमें रेंटल तो है ही नहीं ना, तो ये लीज कैसे होगा? प्रिसाइसली दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि क्या रेंट का होना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ लीज। क्या कॉन्ट्रैक्ट में मैं रेंट स्पेसिफाई ना करके असेट यूज करने का सिर्फ आपको राइट दे दूं तो भी क्या वो लीज हो सकता है? ये चीजें समझने के लिए प्रिंसिपली स्पीकिंग हमें लीज की डेफिनेशन देखना है। व्हाट इज द डेफिनेशन? सेज कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट और इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। ये 5 चीजें हमें समझाएंगी कि लीज है या नहीं है, जिसमें प्राइमरली डिसीजन ऑफ लीज इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, विच आर दीज टू फैक्टर्स। द फर्स्ट टू वन वन देर शुड बी अ राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट, एंड सेकेंड देर हैज टू बी एन आइडेंटिफाइबल असेट। ये 2 प्राइमरी कॉम्पोनेंट है जिनके होने से आप क्लासिफाई कर पाओगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। और क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि ये लीज है या नहीं है, इसलिए ये डिसीजन हमें कब लेना होता है? दिस इज समथिंग विच इज टेकन एट द डेट ऑफ इंसेप्शन। एंड व्हेन आई से डेट ऑफ इंसेप्शन, दिस मींस व्हाट? तो 2 कॉन्सेप्ट, एक डेट ऑफ इंसेप्शन और एक डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ इंसेप्शन किसे कहते हैं? तो जिस दिन आपने लीज का अग्रीमेंट कर दिया, या पार्टीज ने प्रिंसिपली लीज की टर्म्स आपस में डिसाइड कर लिए, भले एक फॉर्मल एंड अग्रीमेंट नहीं किया है, दोनों में जो भी पहले है उसे कहते हैं इंसेप्शन ऑफ द लीज। इंसेप्शन ऑफ द लीज का कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ कब काम आता है? टू आइडेंटिफाई कि इसमें लीज इन्वॉल्व है या नहीं है, और इसका कोई पर्पज नहीं है। बाकी पूरे स्टैंडर्ड में हर जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? कमेंसमेंट ऑफ लीज। एंड कमेंसमेंट ऑफ लीज इज एक्चुअली द डेट व्हेन यू एक्चुअली गेट द राइट टू यूज द असेट, यानी जिस दिन आपके पास असेट लेसर ने अवेलेबल करा दिया है फॉर द पर्पज ऑफ यूज। तो उस एंगल से अगर हम चाहें तो यहां पे हम क्विकली ये 2 डेफिनेशंस नोट कर सकते हैं। इंसेप्शन डेट, जिसे अपन आगे DOI से रेफर करेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बेटा, इंसेप्शन। व्हाट इज डेट ऑफ इंसेप्शन? तो वी विल सिंपली से डेट ऑफ इंसेप्शन इज द डेट व्हिच इज द अर्लियर ऑफ
दी लीज अग्रीमेंट, और द डेट ऑफ लीज अग्रीमेंट, और द डेट व्हेन पार्टीज प्रिंसिपली अग्री टू द टर्म्स ऑफ लीज। यानी आप यू कह लीजिए कि जिस दिन कमिटमेंट आ गया वो डेट आपकी डेट ऑफ इंसेप्शन है, लेकिन कमेंसमेंट डेट और डेट ऑफ कमेंसमेंट किसे कहते हैं? तो डेट ऑफ कमेंसमेंट इज रेलेवेंट फॉर व्हाट? इंसेप्शन डेट इज रेलेवेंट टू असेस वेदर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ लीज, whereas date of commencement is relevant for all other matters including recognizing the right of use asset and lease liability। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने लीज अग्रीमेंट आपके साथ आज कर लिया और उसके अगेंस्ट में आपने असेट मुझे 6 महीने बाद सप्लाई किए, तो 6 महीने बाद ही मेरा असेट यूज़ करने का राइट आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो मेरे रेंट भी तभी से शुरू होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी लाइबिलिटी और मेरा असेट दोनों कब आएगा? जब एक्चुअल में आप मुझे असेट दे दोगे यूज़ करने के लिए, जिसे अपन लोग ये कह सकते थे असेट इज़ रेडी टू यूज़ फॉर द लेसी। तो इसे कमेंसमेंट कहेंगे, अकाउंटिंग इस तारीख से शुरू होगी। इंसेप्शन का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ किसके काम में आता है? टू आइडेंटिफाई वेदर देयर इज अ लीज और नॉट। और आगे हम देखेंगे कि जब लीज के कंपोनेंट्स को सेग्रीगेट करना होता है तो स्टैंड अलोन प्राइस इंसेप्शन डेट की देखी जा सकती है। वी विल कम टू दैट लेटर। डेट ऑफ कमेंसमेंट किसे कहते हैं? तो हम ये कह देंगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट डेफिनेशन है डेट व्हेन द एसेट इज मेड अवेलेबल फॉर यूज, which is ready to use जैसा concept by the lessee। तो अब आप समझ जाओ कि अभी हमारा पहला question जो हम discuss कर रहे हैं वो क्या है। तो the first matter of our discussion is identifying whether the contract contains लीज। और एक बार इसके लिए मैं वापस से लीज की डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हाट इज लीज? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अ सेट, इनफैक्ट राइट टू कंट्रोल द यूज of an identifiable asset for a period of time in exchange for consideration। इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ये दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे ये मैं कहता हूँ A1 और ये है A2, और ये दोनों पॉइंट कब डिस्कस किए जाते हैं या असेस किए जाते हैं? डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज, ना कि कमेंसमेंट। और ये दोनों क्यों मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि लीज है या नहीं। तो अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन जस्ट दीज टू पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको बहुत ही बेसिक लेवल से आप समझिए। मैं बेसिकली आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप गुड्स और सर्विस लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप असेट लीज पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? अगर आप गुड्स और सर्विस ले रहे हो तो ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, और अगर आप असेट लीज पे ले रहे हो तो ये स्टैंडर्ड लगेगा।
अब मैं कैसे बताऊं कि मैं गुड्स और सर्विस लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मैं असेट लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इसके लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा किया है भाई कि आइनॉक्स के साथ मैंने डील कर ली। इंदौर में आइनॉक्स का एक ऑडी है और हमने आइनॉक्स को कह दिया कि भैया आपका ये जो पर्टिकुलर ऑडी है ना, फ्राइडे का पहला शो आप हमारे नाम से बुक कर दो। हर फ्राइडे का पहला शो आप हमारे नाम से बुक कर दो, क्योंकि भाई हमारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, हफ्ते भर खूब पढ़ते हैं, तो हफ्ते में एक दिन तो इनको क्या चाहिए, रिलैक्स होने को चाहिए। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप हमारा बुक कर दीजिए। इसका मतलब कि जो भी नई मूवी लगेगी फ्राइडे को, उसके पहले शो की सारी टिकट हम खरीदेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि आईनॉक्स के साथ जो मैंने डीलिंग करी है, सर वाकई आप ऐसा करते हो क्या? आ जाओ लाइव बैच में तो मालूम पड़ेगा। वो कोई लाइव वाले अगर देख रहे हो ये वाला, तो इस पे कमेंट मत डाल देना। तो आईनॉक्स के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में उससे उसका वो ऑडी लीज पर ले लिया है दोस्तों? कि यार मैंने फिक्स कर दिया है कि फ्राइडे का एक शो वो ऑडी मैंने किराए पे ले लिया, इज इट लाइक दैट? या मैंने सिर्फ उससे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ एवरी न्यू मूवी की टिकट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी एंटरटेनमेंट सर्विसेज लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है? शायद आप कॉमन सेंस से ही बता दोगे कि इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीजिंग ऑफ एन असेट, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टेकिंग द सर्विसेज। क्यों कहा आपने ऐसा? अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो मैं कहता हूं, मैंने आइनॉक्स को कहा कि यार आप एक काम करो, आप ऐसा मत करो, आप तो एक आपका ऑडी है ना, हम ही दे दो। तो आपके पास से फॉर एग्जाम्पल यू हैव फोर ऑडिटोरियम्स, ऑडी फोर जिसकी कैपेसिटी है कुछ 200 सीट्स की, ये हमें आप रेंट पे दे दीजिए, रेंट पे एज इन हमें यूज करने को दे दो। आप इसमें अपनी पिक्चरें लगाओ, मत हमें दे दो, हमारी क्लासेस चलेंगी पूरे दिन इसमें। फिर क्या ये लीज हो जाएगा? मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट से 3 साल के लिए कर लिया, हाँ ये डेफिनेटली अपने आप में एक लीज है। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे अपना एक क्या लिया है, एक ऑडी फोर उनका क्या कर लिया है, मैंने अपने यूज के लिए उनसे रेंट पे ले लिया है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ कंसिडरेशन। अभी पीरियड ऑफ टाइम और कंसिडरेशन छोड़ो, अभी दो बातें करते हैं। ए, क्या मेरे पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट ऑडिटोरियम आ चुका है? हाँ आ गया। कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि ऑडी नंबर फोर अब मेरे कंट्रोल में है। मुझे मूवी देखना है, मूवी देखूंगा, क्लास दिखाना है, क्लास दिखाऊंगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करूंगा, बस एसी चालू की करके बच्चों को सोने की जगह देनी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है। इसका मतलब आई हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज। सेकेंड, इट्स एन आइडेंटिफाइड असेट A4, ऑडी फोर, तो ये लीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज मैं थोड़ा सा इसको और बदल देता हूं और मैं ये कहता हूं कि यार आप एक काम करो, आप तो सिर्फ इतना सा कर दो कि जो आपका ऑडी फोर है वो फ्राइडे फ्राइडे बस मेरा रहेगा, एवरी फ्राइडे है वो ऑडी फोर मेरा रेंट पे रहेगा, उसमें फिर मुझे जो करना है मैं करूं। क्या ये लीज माना जाएगा या ये परचेज ऑफ सर्विस माना जाएगा? सर शायद ये भी एक लीज ही होगा, क्यों? क्योंकि आपने इसमें एक असेट को किराए पे लेने की बात की है। वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यार एक काम करते हैं, फ्राइडे को नई मूवी लगती है, तो मैंने ये कहा कि फ्राइडे को नई मूवी लगेगी, तो उस नई मूवी के उस दिन में जितने भी शो हैं सारे के सारे शो आप हमें दे दीजिए, उसकी सारी टिकट हम ले लेंगे, और हमारे सारे स्टूडेंट जिसकी जब इच्छा है वो आके देखेगा। अब क्या ये लीज है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये वैसा ही हो गया ना कि मैंने फ्राइडे को एक ऑडी आपसे रेंट पे ले लिया, तो ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं कि एवरी फ्राइडे आपका जो ऑडी नंबर फोर है वो मुझे दे दो रेंट पे, तो डेफिनेटली ये लीज है। पर अगर मैं कहता हूं कि हर फ्राइडे जो भी नई मूवी लगेगी, वो नई मूवी जो भी एक पर्टिकुलर ऑडी में लग रही है, उसकी सारी टिकट मुझे दे दो, तो यहाँ पे आप कोई आइडेंटिफाइबल असेट अपने पास नहीं ले रहे। कैसे मालूम पड़ा आइडेंटिफाइबल असेट नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट में यू आर नॉट सेइंग कि मुझे ऑडी फोर चाहिए। इनफैक्ट आइनॉक्स चाहे तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है कि नई मूवी ऑडी फोर की बजाय ऑडी नंबर थ्री पे लगे, ऑडिटोरियम नंबर टू पे लगे, ऑडिटोरियम नंबर वन पे लगे। अब वन पे लगी होगी तो मुझे वन की सारी टिकट्स लेना होगी, टू पे लगी होगी तो टू की टिकट्स लेना होगी, फोर पे लगी होगी तो फोर की टिकट्स लेना होगी। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया तरीका आइडेंटिफाई करने का कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या
मूवी की सर्विसेज एक्वायर करने की बात कर रहे हो या जगह किराए पे लेने की बात कर रहे हो? असेंशियली जब आप ये कहते हो कि आपको जिस ऑडी में मूवी लगाना है लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आप पूरे दिन की सारी टिकट्स दे दीजिएगा, देन यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टेकिंग सर्विसेज, नॉट टेकिंग अ सेट ऑन रेंट। पर आप कहते हो नहीं, मुझे वो स्पेसिफिक असेट एवरी फ्राइडे पूरे दिन के लिए रेंट पे चाहिए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूजिंग एन असेट। हो सकता है कि फिर आप उसमें ये कहो कि हमें वो असेट भी किराए पे चाहिए और वहां पे आप नई मूवी भी लगाओगे और उसका एक्स प्राइस होगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग द असेट ऑन लीज एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रॉडकास्टिंग और शोइंग अ मूवी ऑन इट। And this will be classified subsequently. We will discuss this, that there is a composite contract where there is a lease component and a non-lease component, how to segregate that. But I think आपको मेरे इस एग्जाम्पल से एक चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि लीज है या नहीं है। ये डिसाइड करने के लिए बेसिक पहली कंडीशन क्या है, एक आइडेंटिफाइबल असेट होना चाहिए। तो एक तरह से समझने के लिए आप क्या बोल सकते हो कि व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज और नॉट, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू बेसिक फैक्टर्स। Let us discuss these particular factors one by one. First factor is there has to be what? An identifiable asset. And the second factor is you should have what? Right to control the use of that identifiable asset. Agar ye dono condition satisfy hogi, then it will be a lease and not just a contract to acquire goods and services. Identifiable asset में क्या condition है? तो let us make the whole notes for point number A1 in black. तो ये मैं black color use करूँगा, ये black में जो भी लिख रहा हूँ ये पूरा point number A1 है, ऐसा मान लो black ink में। Identifiable asset के लिए standard कहता है कि the asset can be identified explicitly in the contract or it can be implied. When I say explicitly in the contract, मैंने बोल दिया Inox आपका ऑडी नंबर 4 मुझे 3 साल के लिए रेंट पे चाहिए, explicitly identified. Implied का मतलब ये हो सकता है कि मैंने ये तो नहीं कहा है, पर मैंने कहा है कि भाई मुझे है ना आपका एक ऑडी रेंट पे चाहिए जिसकी कैपेसिटी 200 की हो, और सपोज Inox के पास टोटल 4 ऑडी है जिसमें से सिर्फ एक ही है जिसकी कैपेसिटी 200 की है, बाकी सबकी उससे कम है, और मैंने कहा है कि मुझे मिनिमम 200 की कैपेसिटी चाहिए, तो इम्प्लाइड है कि वो ऑडी 4 की ही बात हो रही है। तो घुमा फिरा के एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है कि असेट क्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट द लेसर हैज नो SSR. व्हाट इज SSR? सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट्स। सर्विस लेने और गुड्स, सॉरी सर्विस लेना और असेट किराए पे लेना, लीज पे लेना, दोनों में एक बेसिक बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों? जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं आपकी असेट रेंट पे लूंगा, तो वो असेट आइडेंटिफाइड होगी, एज इन स्पेसिफाइड होगी, और लेसर उसे चेंज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट अंडर सम एबनॉर्मलिटीज। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कहा है कि भैया ऑडी 4 हमें चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऑडी 4 की जगह कल दिन मुझे ऑडी 3, ऑडी 2, ऑडी 1 दे दे। अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर आई हैव नॉट टेकन एन आइडेंटिफाइबल एसेट, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि एसेट ऐसा होना चाहिए जो आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड व्हेन आई से आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, इसका मतलब क्लियर है कि लेसर उसे अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता है। अगर लेसर के पास कोई सब्सटेंशियल राइट नहीं है किसका, सब्सटीट्यूट करने का, किसे, असेट को बदलने का, तो ही माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइबल असेट है और लीज होने की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेसर के पास कब राइट होता है असेट को चेंज कर देने का? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा है ओला कंपनी को, मैंने क्या किया, ऑनलाइन उनकी ऐप में एक गाड़ी बुक करी है, मैंने बोला यार मुझे 1 महीने के लिए गाड़ी किराए पे चाहिए, तो उनकी लॉन्ग टर्म बुकिंग्स की एक सेपरेट ऐप है जिसमें मैंने बुक कर दी।
अब ओला कंपनी में इसमें कोई बंधन नहीं है कि वो आपको एक पर्टिकुलर कार ही देगा, वो जब चाहे तब उस कार को चेंज कर सकता है। वो सिर्फ आपको ये स्पेसिफाई करेगा, डू यू नीड अ हैचबैक और अ सेडान और अ प्रीमियर कार। इट विल नॉट स्पेसिफाई कि आपको यार ये टाटा इंडिका इस नंबर की ही देंगे। हाँ, वो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है कि एक कार जब अलॉट होगी तो उसका ड्राइवर का नाम नंबर आपको दे दिया जाएगा। बट ऐसा है कि 3 महीने के रेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर ओला कंपनी चाहे तो उसे रिप्लेस कर सकती है, बोल सकती है कि यार कल से आपको इसकी जगह ये वाली कार मिलेगी ऑफ द सेम यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओला के साथ किराए को किराए पे यानी लीज पे असेट लेने का नहीं है, सर्विसेज लेने का है, दिस इज नॉट अ लीज। बट अगर ऐसा नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई हो गई है ये कार ही आपके पास रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जैसा नॉर्मली ट्रक्स वगैरह में होता है कि अगर अपन ट्रक लीज पे लेते तो आई टेक अ पर्टिकुलर ट्रक ऑन लीज एंड आई विल ऑपरेट इट फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, देन इट इज एन आइडेंटिफाइड असेट व्हिच आई एम गोइंग टू यूज एंड दैट इज व्हाई इट विल बी क्वालिफाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीज। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी ऐसा लिख दिया जाए कि अगर ट्रक का ब्रेक डाउन हो गया तो लेसर को दूसरी ट्रक देना पड़ेगी रिप्लेस करके, सो दैट आई कैन कीप यूजिंग द ट्रक थ्रू आउट द 5 इयर्स पीरियड ऑफ लीज और 3 इयर्स पीरियड ऑफ लीज, ये चलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर लेसर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ बेसिकली किस नेचर का है, सो दैट द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड, या यू कह लीजिए कि वो कोई सब्सटेंसिव राइट नहीं है। सब्सटेंसिव कब माना जाएगा राइट, जब लेसर अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए, आई रिपीट, अपनी इच्छा से अपने फायदे के लिए जब चाहे तब असेट को चेंज कर सकता है तो माना जाएगा उसका राइट सब्सटेंसिव है। तो लेसर हैज नो सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट, कब माना जाता है लेसर हैज अ सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट, तब मैं लेसर को आर लिखूंगा, आर इज सेट टू हैव अ सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट इफ द टू कंडीशंस आर मेट। व्हाट आर द टू कंडीशंस, पहला लेसर जब चाहे तब, दैट मीन्स लेसर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द एसेट, कब, जब चाहे तब, इसका मतलब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, जिसे आप अपनी भाषा में बोलेंगे जब चाहे तब। तो लेजर जब चाहे तब असेट को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। अब यहां पे रिप्लेस करने का राइट होना कि जगह इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए, यानी देखो थियोराटिकली पॉसिबल हो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली वो चेंज कर सकता है, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक अपना पूरा का पूरा क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड एन ऑडिटोरियम। अब उसमें मुझे सेंट्रलाइज्ड एसी लगाना है, आई डोंट वॉन्ट टू बाय दैट एसी। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है से बहारपुर कूलिंग टावर्स, इन्होंने कहा है कि हमारा सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है और हम उसे आपको लीज पे देंगे, आपका जहाँ भी ऑडिटोरियम बन रहा है या मूवी थिएटर बन रहा है वहाँ पे हम ये एसी लगा देंगे, 10 साल की लीज पे आपको दे देंगे, और आफ्टर 10 ईयर्स आप चाहो तो रिन्यू कर लो, नहीं तो मत करो। हमने बोला ठीक है, हमें बस ये चाहिए कि भाई एसी चलते रहना चाहिए और मेंटेनेंस वगैरह की कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको साल में 5 दिन के लिए बंद कर सकते हो, उसके बियॉन्ड ये बंद नहीं होगा और आपको कॉन्स्टेंट सप्लाई हमको देना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी ऐसा लिखा है क्या कि आप इस एसी को चेंज नहीं कर सकते, सेंट्रलाइज्ड एसी जो आपने इंस्टॉल किए हैं सब जगह आप इसे बदल नहीं सकते? नहीं, ऐसा लिखा नहीं है। तो 5 दिन के ब्रेकडाउन में आपको पूरा रिप्लेस करना है तो भी आप कर दीजिए, तो आपके पास थियोराटिकल राइट टू सब्स्टिट्यूट है, बट प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी जो होता है दैट इज समथिंग विच इज इनग्रेन इन बिल्ड इन टू द मटीरियल बिल्डिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ रिप्लेस इट फ्रॉम द बिल्डिंग। तो इसका मतलब हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म में चीजों को समझना है, यानी प्रैक्टिकल ना कि थ्योरेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि जब चाहूं तब मैं क्या कर सकता हूं, सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। और डेफिनेटली मेरे पास राइट है सब्सटीट्यूट करने का, तो मैं क्यों सब्सटीट्यूट करना चाहूंगा? तो बेसिकली सब्सटीट्यूशन का राइट में एक्सरसाइज में एज एन एलेसर कब एक्सरसाइज करना चाहूंगा, सो दैट आई कैन बेनिफिट इकोनॉमिकली बाय द सब्सटीट्यूशन। तो सप्लायर हैज इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू सब्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है कि इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे यानी कमर्शियल एडवांटेज होंगे।
अगर ये दोनों कंडीशन मौजूद है तो माना जाएगा कि भैया ले सर जब चाहे तब असेट बदल सकता है, आपने सर्विस लिया, आपने कोई असेट वसेट किराए पे लीज पे नहीं लिया। नाउ व्हेन आई से सप्लायर हैज इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू सब्स्टिट्यूशन, व्हाट विल दिस मीन? बेसिकली आप ये समझ लीजिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फास्ट की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए मैंने अमेजॉन वेब सर्विसेज से एक सर्वर रेंट पे ले लिया। इसके अंतर्गत अमेजॉन वेब सर्विस से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मुझे 100 GB ऑफ स्पेस दोगे आपके सर्वर पे, और अमेजॉन ने कहा एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ये उसका रेंट होगा, आपको हर महीने पे करना होगा, और मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या मैंने सेवाएं ली है या मैंने उनका सर्वर रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है, किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये आइडेंटिफाइबल एसेट है? तो सबसे पहली बात बताओ, क्या वो सर्वर आइडेंटिफाइड है, प्री आइडेंटिफाइड है? शायद नहीं। क्यों नहीं? फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि अमेजोन मुझे ये नहीं बोलेगा कि भैया ये आपका सर्वर है जिसको मैंने क्या कर रखा है, आपसे आपके लिए स्पेसिफाई करके अलग से निकाल के रख दिया। इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, हेंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि नहीं यार, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये सर्वर कहाँ पे रहेगा, कौन सा रहेगा, आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा। क्यों? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल भाई, हमारी कंपनी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बताना पड़ता है कि हमारे सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि हम ये बता सके कि भाई हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो सर्वर पे होस्ट की जा रही है क्लाउड में, वेयर दैट एग्जिस्ट। तो अमेजोन ने कहा ठीक है चलो, हमारा बैंगलोर में एक यूनिट है, बैंगलोर के यूनिट में वी हैव वेरियस सर्वर्स, और उन सर्वर्स में से A26 नंबर का जो सर्वर है वो आपके लिए डेडिकेटेड होगा, एंड यू विल हैव 100 GB स्पेस इन दैट, डेडिकेटेड फॉर यूज। मैंने बोला कूल, दैट्स गुड। अब टेक्निकली स्पीकिंग क्या मैंने सर्वर को रेंट पे, लीज पे ले लिया है? तो अगला सवाल मुझे जो सोचना पड़ेगा वो ये है कि क्या अमेजोन जब चाहे तब उसे चेंज कर सकता है? तो जो अमेजोन ने मुझे सर्वर दिया है उसकी एक्चुअल में कैपेसिटी 150 GB है, और शायद उसके पास अभी कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट किसी की 150 GB की है नहीं, और उसके 100 GB वाले सारे सर्वर्स फुल है। लेकिन कल दिन उसके पास अगर कोई कस्टमर 150 GB की रिक्वायरमेंट लेके आएगा जो अभी 100 GB यूज कर रहा है, तो अमेजोन स्वैप कर देगा और मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि भाई मैंने आपका सर्वर A23 से चेंज करके A233 कर दिया है, जिसमें यू विल गेट 100 GB सेम स्पेस विच यू वर वांटिंग अर्लियर, बट आई एम यूजिंग योर सर्वर टू समवन एल्स बिकॉज इट हैड सम रिडंडेंट स्पेस। तो अगर ऐसा अमेजोन कर सकता है तो वापस आप समझ जाओ आपका कॉन्ट्रैक्ट अब अमेजोन से सर्वर को लीज पे लेने का नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेने का है। उल्टा समझने के लिए ऐसा बोल दो कि अगर मैं सर्वर के लिए ये कहता हूँ अमेजोन को कि A23 मेरा सर्वर है और ये पर्टिकुलर सर्वर मेरा एक्सक्लूसिव रहेगा, मेरा इस पे पूरा कंट्रोल है, मैं ही इसका मेंटेनेंस देखूंगा, सारी चीजें मेरे हाथ में रहेंगी, आपको पूरा एक्सेस देना होंगे, इनफैक्ट मैं इसमें अपने लॉक्स लगा के रखूंगा, आप इस पे किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं कर पाओगे और इसे आप बदल भी नहीं पाओगे, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कि वाकई मैंने अमेजोन से सर्वर लीज पे लिया है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व टेकिंग एन एसेट ऑन लीज। तो सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब माना जाएगा एग्जिस्ट करना है? जब जब चाहे तब लेसर आपके एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, उसके पास ये प्रैक्टिकल एबिलिटी है, और वो ऐसा क्यों करेगा? जस्ट फॉर द फैक्ट दैट उसे लगता है कि उससे उसको फायदा होगा। अब क्या होता है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स कैसे कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि सप्लायर को फायदा होगा या नहीं होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी के यूज में वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या नहीं है, यानी अभी तय नहीं हुआ है कि जिसने आपको असेट दिया है वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, तो आप एग्जाम में भी जब आंसर लिखोगे तो शब्द सप्लायर और कस्टमर यूज करना। जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट लीज है तो आप बोल सकते हो सप्लायर इज द लेसर एंड कस्टमर इज द लेसी। तो एवरीवेयर व्हेन यू राइट द आंसर यूज द वर्ड सप्लायर एंड कस्टमर। चलिए, तब इंडेस ने क्या किया, इंडेस ने यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिए जिसे हम बोल सकते हैं देर आर सर्टन जनरलाइजेशंस टू एस्टैब्लिश वेदर, क्या लिखूं, लेसर या सप्लायर? सर सप्लायर, गुड। सप्लायर हैज सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, एंड व्हाट आर दीज जनरलाइजेशंस? ए, यूजुअली If asset is physically with the customer, then cost of substitution will be high.
एंड इट मे नॉट गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। टू सप्लाई, प्लीज रिमेंबर दीज आर जनरलाइजेशन, दैट मीन्स दीज आर नॉट थंब रूल्स। थंब रूल्स का मतलब क्या होता है भाई? बोल दिया ऐसा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, ये जनरलाइजेशन है। दैट मीन्स दीज आर जस्ट सम कंक्लूजन एंड दीज आर नॉट कंक्लूसिव कंक्लूजन। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, तो ध्यान रखना मैंने यूजुअली लिखा है। तो यूजुअली अगर किसके पास असेट रखा हुआ है, इट इज विद द कस्टमर। मतलब ये हो गया कि मैंने सर्वर क्या किया, अमेजोन ने बोला एक काम करो यार, हम आपकी लोकेशन पे आ गए, सर्वर इंस्टॉल कर देते हैं और ये सर्वर का आप हमें रेंट देते रहना। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का हो जाएगा, क्योंकि शायद अमेजोन इस सर्वर को रिप्लेस नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होगी, सब्स्टिट्यूशन की जो कॉस्ट होगी, वो बहुत हाई होगी। तो ये एक जनरलाइजेशन बनाने के लिए बनाया जा सकता है। अगेन दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ अगर मैं कार के लिए कहूँ कि मैंने आपको कोई पर्टिकुलर कार दी है और मैंने कहा है मैं जब भी चाहूंगा तो दूसरी कार भिजवा दूंगा, तो हो सकता है यहाँ कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन कोई बहुत सब्सटैंशियल ना हो। तो इन दैट सेंस आई कैन से दैट हियर द लेसर मे रियली हैव अ सब्सटैंसिव इकोनॉमिक बेनिफिट इवन इफ ही इज सब्सटीट्यूटिंग। सो दीज आर जस्ट सम जनरलाइजेशंस, मे नॉट रियली बी कंक्लूसिव जनरलाइजेशंस। So this is one particular thing which you can make as an exclusion, as a generalization. Then, अगर suppose आपको ये कहा गया है, supplier to substitute only in event of breakdown or technical changes. Then you can presume that there are no substantive substitution rights. Simple सी बात है। Amazon बोलता है कि भाई आपके यहाँ सर्वर रखा है, आपके पास ही रहेगा, बस इसमें कभी कोई खराबी आई तो मैं दूसरा ला के दूंगा। तो obvious सी बात है, यहाँ पे supplier के लिए कोई economic benefit नहीं है substitution का, इसलिए माना जाएगा कि ये substantive substitution right नहीं है। इनफैक्ट आप किसी से asset lease पे लोगे तो आप basic condition डालोगे उसमें कि भैया asset पूरी lease term के दौरान चलना चाहिए, प्रॉब्लम आई तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। मेरे हॉस्टल वाले एग्जाम्पल में मैंने कमरा नंबर 143 143 हमारा फेवरेट नंबर है आपसे लीज पे लिया है और मैंने कहा है कि ये कमरा जैसे मुझे यूज करना है करूंगा, 3 साल तक मेरे पास रहेगा, इसमें कोई मैं किसी प्रकार की आपको खराबी करके नहीं दूंगा, जैसा लिया है वैसा लौटा दूंगा। बट आई हैव द कंप्लीट राइट टू यूज दिस पर्टिकुलर असेट 143 नंबर का, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। लेकिन मैंने कहा कभी इसमें बारिश में पानी वानी का सीपेज आया कुछ आया तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इसको बदल के दो, बाकी इसके अलावा आप जब चाहो तो बदल नहीं सकते हो। तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल नॉट से सप्लायर हैज सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स। लेकिन वहीं पे ऐसा हो जाए कि हॉस्टल के ओनर ने कहा है कि भाई हम आपको कभी भी कमरा इसके बदले में दूसरा कोई कमरा दे सकते हैं, जो भी सिंगल बेड के कमरे, और ये जो कमरा हमें दिया गया है ये डबल बेड का कमरा है, क्यों? क्योंकि अभी यही खाली था और हो सकता है बाद में सिंगल बेड का खाली हो तो हमें यहाँ डाल दिया जाए और यहाँ पे दो लोगों को डाल दिया जाए और इससे सप्लायर ज्यादा पैसे कमा ले और हम मना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये प्योरली हॉस्टल पे रेंट में रेंट दे के रहने का कॉन्ट्रैक्ट। When you go to a hotel and you book a room, you don't book a specific room. You just get one of the rooms of your category, which is actually on the hotel as to what rooms to give you. क्या होटल आपसे वो रूम सब्सटीट्यूट करा सकती है? तो होटल को ऐसा कोई इकोनॉमिक एडवांटेज तो नहीं होगा उस रूम को सब्सटीट्यूट कराने के लिए, तो उस एंगल से हम बोल सकते हैं कि होटल के पास कोई सब्सटीट्यूशन राइट नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट भी होना चाहिए, दैट इज राइट ऑफ, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ अ साइट। अगर वो होगा तो हम कहेंगे लीज है, अगर वो नहीं है तो लीज नहीं है। आई विल कम टू दिस होटल वाला एग्जाम्पल अ लिटिल लेटर। देन अनदर जनरलाइजेशन इज दैट इफ कस्टमर कैन नॉट रेडिली डिटरमाइन, इसके ऊपर हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आफ्टर वी स्टडी दीज टू पॉइंट्स। इफ कस्टमर कैन नॉट रेडिली डिटरमाइन वेदर suppliers right to substitute are substantive, substantive matlab basically substantial, then he can presume that the suppliers substantive substitution rights do not exist।
वो ऐसा मान सकता है कि सप्लायर की जो राइट्स हैं वो सब्सटेंसिव नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? बेसिकली इंडेस ये कहता है कि हम कस्टमर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते। किस चीज का? बस यही प्रूव करने का कि क्या सप्लायर असेट चेंज कर सकता है या नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमेजोन वेब सर्वर से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मैंने उनसे एक सर्वर लिया है और उन्होंने आइडेंटिफाई करके मुझे 823 नंबर का सर्वर दे दिया। अब मुझे नहीं पता वो सर्वर की टोटल स्पेस कितनी है, मुझे तो 100 GB दी है। मुझे भी नहीं पता कि क्या अमेजोन उसको किसी और को रेंट पे बाद में देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं। और मेरे पास कोई ऐसे तथ्य भी नहीं है, जिससे फैक्ट्स भी नहीं है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। तो फिर इंडेस बोलता है, फिर आप परेशान मत हो, आप मान लीजिए, क्या मान सकते हो? यू कैन अज्यूम कि उसके पास सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, हेंस इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, तो आप लीज की अकाउंटिंग लगा सकते हो। इनफैक्ट वी वेलकम यू टू अप्लाई अकाउंटिंग ऑफ लीज इन दैट सेंस। तो ये हमारा डिस्कशन का एक पार्ट हुआ, आइडेंटिफाइबल असेट। कब माना जाएगा असेट आइडेंटिफाइबल है? तो हम कहेंगे कि असेट आइडेंटिफाइबल है जब वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है, प्लस सप्लायर के पास सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स नहीं है। माना जाएगा उसके राइट सब्सटेंसिव है सब्सटीट्यूट करने के, अगर उसके पास प्रैक्टिकेबल एबिलिटी है कि वो जब चाहे तब थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज असेट को रिप्लेस कर सकता है, एंड रिप्लेस करने से उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। ये कब होगा? जब उसकी कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन से ज्यादा उसके एक सब्सटीट्यूशन के बेनिफिट्स होंगे। नॉर्मली आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर सप्लायर का बेनिफिट एस्टैब्लिश कर सक नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि सप्लायर के सब्सटेंसिव राइट्स नहीं है। लोकेशन अगर गुड्स की असेट्स की कस्टमर के पास है तो नॉर्मली सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंसिव नहीं होंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ री लोकेटिंग विल बी हायर। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो अज्यूम दैट अगर सप्लायर के पास जो राइट्स है वो सिर्फ ब्रेक डाउन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन सब केसेस में चेंज करने का है, तो डेफिनेटली ये उसके इकोनॉमिक बेनिफिट में नहीं है, ये सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स नहीं है। इसके अलावा अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड मैं कुछ और बातें कहूँ जो ये स्टैंडर्ड में दी गई है, तो व्हाट आई वुड काइंड ऑफ पॉसिबली एडिशनली डिस्कस इज, तो साफ साफ इंडेस ने कहा है, इफ सप्लायर्स राइट टू सब्स्टिट्यूट इज ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, देन अज्यूम दैट देर इज नो SSR, क्योंकि SSR की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने देखी थी, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए। और अगर आपके पास ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और ऑन कंडीशन है, देन इन दैट केस माना जाएगा कि कोई सब्सटेंसिव राइट्स नहीं है। यानी ऐसा भी बोल दिया अमेजोन के वेब सर्वर में कि 3 साल में 2 साल तक तो हम चेंज नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे, तो फिर आप मान लो कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है ही है। तो सर इसकी टर्म क्या माने, 2 साल या 3 साल? वो जब अपन लीज टर्म पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये तो प्रूव हो गया कि ये लीज होगी, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा एक और इश्यू ये आता है, और वो ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन ओनली अ पार्ट, और लेट्स से अ कैपेसिटी, अ पोर्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सेट, और इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर फॉर यूज। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज, सिर्फ एक पोर्शन दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल मेरे ऑडी वाली बात करें, तो मैंने बोला कि भाई हमें पूरा ऑडी नहीं चाहिए, आप तो एक काम करो, ऑडी 4 का जो बालकनी है ना, वो बालकनी मुझे दे दो। जैसे कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंदौर में देर इज दिस पर्टिकुलर, इफ यू टॉक अबाउट ऑल दीज पर्टिकुलर मॉल्स, तो यहाँ पे एक मंगल सिटी कार्निवल सिनेमास नाम का एक पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे एक देर इज दिस आइनॉक्स जैसा, आपका यू समझ लीजिए एक मल्टीप्लेक्स है, कार्निवल बेसिकली जो आपका बिग बी अनिल भाई का हुआ करता था उसका नया नाम है।
तो कार्निवल सिनेमाज का एक पर्टिकुलर ऑडी का बॉक्स हमने रेंट पे ले रखा है और हमारी जब इच्छा है हम वहाँ जा सकते हैं। इनफैक्ट उसके ताले की चाबी भी हमारे पास है, लिफ्ट भी उसकी अलग फ्लोर पे जाके रुकती है और वो हमारे हाथ में है कि अपने को जब उसको खोलना है, जिसको देना है, जब मूवी देखने के लिए जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। और उसके बदले में हम क्या करते हैं, वी बेसिकली गिव देम अ मंथली रेंट। अब सवाल ये है क्या ये लीज है? हाँ सर, ये तो देख के लगता है लीज है, जबकि मैंने देखा जाए तो पूरी की पूरी ऑडी रेंट पे नहीं ली है, मैंने सिर्फ उसकी बालकनी एक पोर्शन लिया है। हाँ ये जरूर है कि वो एक आइडेंटिफाइड पोर्शन है। तो सवाल ये है कि इस केस में क्या ये माना जाएगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट लीज का है? तो अगेन द लॉजिक हियर इज व्हाट, अगर आपने सिर्फ एक कैपेसिटी को लीज किया है तो माना जाएगा कि असेट आइडेंटिफाइबल है, ट्रीट असेट टू बी एन आइडेंटिफाइबल असेट ओनली इफ। आप असेट को आइडेंटिफाइबल असेट मानोगे सिर्फ कब, जब या तो इट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, जो कैपेसिटी है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा बालकनी है, तो बालकनी फिजिकली डिस्टिंक्ट है, बाकी सारी सीट से वो एकदम अलग है और उसकी सारी सीट्स हमारे पास है। तो वी विल से कि हम एक पोर्शन ऑफ अ सेट को कब मानेंगे कि ये कैपेसिटी या ये एक पर्टिकुलर पार्ट एक आइडेंटिफाइबल सेट है, जब वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा, दैट इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल असेट को, लेट मी राइट आइए, आइडेंटिफाइबल असेट अनलेस द कैपेसिटी गिवन टू कस्टमर रिप्रेजेंट्स सब्सटैंशियली द होल कैपेसिटी। तो से फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडी में 200 सीट्स है और मुझे बोला गया है कि यार हर शो की 20 सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 20 सीट्स रेंट पे लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 20 सीट कोई भी हो सकती है। बट सपोज फॉर एग्जाम्पल 200 सीट्स में से 190 सीट्स मेरी रिजर्व्ड है 10 सीट छोड़ के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई 10 सीट हमें रखना पड़ती है वीआईपीज वगैरह के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा ऑडी एक तरह से मैंने लीज पे ले रखा है, 10 सीट्स भले ही उसमें मैंने छोड़ रखी है, बट वॉट आई हैव टेकन इज द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट। फिर भले ही वो आइडेंटिफाइड सीट्स नहीं है, माना जाएगा कि इट इज स्टिल एन आइडेंटिफाइबल एसेट। तो इंडेक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है, जब तक असेट आइडेंटिफाइबल असेट की परिभाषा फुलफिल नहीं करेगा तब तक आप मानोगे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट लीज का है, फिर आपको उसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। और आइडेंटिफाइबल असेट के रूल्स हमने क्या पढ़ लिए, तो सबसे पहला रूल हमने देखा आइडेंटिफाइबल असेट क्या होना चाहिए, तो ए आइडेंटिफाइबल इट शुड बी आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, इफ इट इज पार्ट देन इट शुड बी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, एल्स इट शुड रिप्रेजेंट सब्सटैंशियली द होल पोर्शन, एंड देन द इन एनी पर्टिकुलर केस द लेसर इनफैक्ट द सप्लायर शुड नॉट हैव सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स। इन केस इफ ही हैज राइट्स ओनली टू रिप्लेस इन केस ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस लाइक ब्रेक डाउन, चेंज इन टेक्नोलॉजी आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर नॉट ट्रीटेड सब्सटेंसिव राइट। हाउएवर कस्टमर मे अज्यूम व्हेन ही इज नॉट क्लियर वेदर सप्लायर्स राइट्स आर सब्सटेंसिव और नॉट, ही मे अज्यूम दैट ही हैज नो सब्सटेंसिव राइट्स। ये पूरा आपका कंक्लूजन है, क्या चीज कंक्लूड करने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो असेट जिसको आप ले रहे हैं वो आइडेंटिफाइबल असेट है, हेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं। तो स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं या एजुकेशन मटेरियल में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह के सवाल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफिकली इफ आई वाज टॉकिंग अबाउट अ केस, यू जिस कंपनी के साथ मैंने डिस्कशन किया है और मैंने कहा है कि वी वॉन्ट टू स्टार्ट आर लाइव क्लासेस और इन लाइव क्लासेस के लिए आप एक स्पेसिफिक लीज लाइन हमारे लिए ले कर दीजिए और ये लीज लाइन पूरी तरह से हम यूज करेंगे और आप उससे मंथली रेंटल हमसे फॉर एक्स नंबर ऑफ ईयर्स ले लीजिए। ये डेफिनेटली लीज लाइन एक आइडेंटिफाइबल एसेट है। यूजर्स कंपनी बोलती है यार ऑलरेडी मेरी एक ऑप्टिक फाइबर लाइन डली हुई है और आप उस ऑप्टिक फाइबर केबल लाइन को यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि यार ये ऑप्टिक फाइबर केबल लाइन कितने लोगों के लिए यूज होगी, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर 10 फाइबर्स हैं और ये 10 फाइबर्स में से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू 6 फाइबर्स। दैट मीन्स आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बेसिकली स्ट्रीम 6 लेक्चर्स साइमल्टेनियसली एंड 4 आई विल गिव टू अदर्स। Now in this particular case, this is a part of the whole capacity. The question is, क्या ये 6 fibers identified है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई भी 6 फाइबर हो सकते हैं, बाकी के 4 में किसी और को दे सकता हूँ, और कभी आपका एक फाइबर खराब हो गया तो दूसरे से रिप्लेस कर दूंगा, और इस तरह से मैं जब चाहूँ तब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सवाल यह है क्या सब्स्टिट्यूशन से कोई बेनिफिट होगा क्या यूजिस कंपनी को? तो मैं कहूँगा नहीं, उनको कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, आई हैव बेसिकली वॉट। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनका सब्सटेंसिव सब्सटेंशियल राइट नहीं है किसका? सब्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि वो 6 आइडेंटिफाइड केबल जो मुझे शुरू में दिए हैं वही आखिरी तक मेरे पास रहेंगे। बट से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि उनका बेनिफिट है और ये 6 फाइबर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं है कौन से 6 मेरे रहेंगे और वो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है ये, लीज नहीं। लेकिन वो बोल दे कि हाँ ये 6 फाइबर है, हमारे 10 फाइबर अलग अलग कलर के, और ये 6 फाइबर लाइन्स आपकी होगी, इनमें से अगर कोई फाइबर लाइन डैमेज हुई तो उसको हम रिपेयर करेंगे, उसमें जो डाउन टाइम होगा वो आपका रिस्क होगा, देन आई विल से कि यस आई हैव एक्चुअली लीज्ड 6 फाइबर्स इन दैट 10 केबल फाइबर ऑप्टिक लाइन। अगर मुझे 10 में से वो 9 फाइबर्स दे दे और एक खुद के लिए रख लें, देन आई विल से सब्सटैंशियली होल कैपेसिटी है, तो भी मैं कह सकता हूँ ये आइडेंटिफाइबल असेट है। इस तरह के आपके सवाल होंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है whether it is an identifiable asset or not. I hope this is clear. This is part one of identification whether contract involves a lease or not. And in this what we have discussed is identifiable asset. Now let us come to the next point. And the next point which we are discussing is कुछ ऐसा जिसको हम पूरा let's say ब्लू में मार्क करेंगे. This is basically right to control the use of an asset. Now when do I say I have the right to control the use of an asset? सेकेंड कंडीशन जो हमें A2 कहा था, दिस व्हाट वी स्टडीड इज A1। चलिए तो कब कहेंगे दोस्तों कि हमारा राइट टू यूज द कंट्रोल ऑफ एन असेट, सॉरी राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन असेट है, ये दूसरी कंडीशन है, आप समझना। आपको मालूम है एप्पल कंपनी की मोबाइल स्क्रीन्स कौन बनाता है? जी हाँ, सही कहा, सही सोचा आपने, इट इज सैमसंग। यस, क्या बात कर रहे हो सर, हमारा तो सैमसंग। कितनी बार हम दबाते जाते पर वो जहां पे हम टच करते हैं वहां क्लिक ही नहीं करता है, और एप्पल में तो हम बकायदा जहां क्लिक करते हैं ऐसा लगता है उसको समझ में आ गया, वहीं क्लिक करता है, कैसे पॉसिबल? जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, आप गूगल कर सकते हैं, एप्पल अपनी सारी स्क्रीन सैमसंग से बनवाता है। इनफैक्ट सैमसंग के लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स बिकेंगे उससे सैमसंग भी कमाएगा। ये तो वो वाली बात हो गई दोस्तों कि एप्पल का प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो सैमसंग का नहीं बिक रहा है, इसका मतलब सैमसंग हार के भी जीत रहा है, इसी को बाजीगर कहते हैं। अरे सर बहुत बुरा। तो एप्पल अब आप समझ सकते हो उनके अपने नखरे। एप्पल ने सैमसंग को बुला के ओके हम आपको स्क्रीन बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं, यू हैव गुड टेक्नोलॉजी, यू हैव गुड कैपेबिलिटीज, बट वी विल डिफाइन what you have to produce. Samsung says okay no problem, we are interested in money. Apple says aap ek factory banaoge jisme sirf sirf aur sirf apple ki screens banegi. Samsung ne bola minimum order guarantee kar do, hame koi problem nahi hai, ek factory dedicated aapke liye ho jayegi itni capacity ki. Apple ne bola done. अब ये हो गया समझो दोस्तों कि चाइना में सैमसंग ने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है विच इज स्पेसिफिकली अ फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड फॉर एप्पल which is making mobile screens for Apple iPhones. And Apple has given a minimum purchase commitment. Now the question is Apple buying screens as in goods from Samsung, or is Apple having the right to control the use of this identified factory in China? तो ये आइडेंटिफाइबल असेट तो है, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है जहां पे एप्पल का प्रोडक्शन किया जाएगा सैमसंग के द्वारा, तो इट्स एन आइडेंटिफाइबल असेट, और एप्पल ने बोल दिया यही फैक्ट्री में होगा, हम यहाँ क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे, सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ जगह कहीं और माल बना लो। तो ये आइडेंटिफाइबल असेट की कंडीशन प्रूव कर गया। अब अगला सवाल, क्या एप्पल ने एक्चुअल में सैमसंग से एक फैक्ट्री बना के उसको लीज पर ले लिया है, या ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी वो फैक्ट्री सैमसंग ही ऑपरेट करेगा और एप्पल अभी भी सिर्फ गुड्स ही ले रहा है? ये डिसाइड करने के लिए आपको इस सवाल का जवाब देना है, डू यू हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट आइडेंटिफाइबल असेट? तो आप बताइए राइट टू कंट्रोल यूज कब माना जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पे किसी चीज के ऊपर कंट्रोल कब आता है? मैं कहूंगा सर जब उसके फायदे मुझे मिले और मैं उसे जैसा बोलूं वो वैसा काम करे। बिल्कुल सही है, यानी कि ए हम जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा, और बी उससे जो फायदा होगा वो सब मुझे मिलेगा।
तो मैं बोलूंगा मेरा उसके ऊपर राइट है। पर अगर मैं ये कहता हूं वो करता अपने मन मर्जी से, फायदा मुझे होता है, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि प्रैक्टिकली मेरा उसके ऊपर राइट है। हाँ वो मेरी असेट है बिकॉज इट इज गिविंग मी मनी, बट आई एम नॉट एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर असेट। तो माई असेट एक्चुअली इज नॉट दैट असेट, माई असेट इज जस्ट दैट इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट, आई एम गेनिंग आउट ऑफ इट। इट्स लाइक आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी आप चला सकते हो, बट शेयर से डेफिनेटली आपको डिविडेंड आएगा। तो यू कैन नॉट से दैट यू हैव द कंट्रोल ऑन द कंपनी, यू कैन ओनली से दैट यू डू हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। राइट टू कंट्रोल द यूज में दो कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेंगे, एंड लेट मी पुट इट डाउन ऑन द नेक्स्ट पेज। राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल एसेट। स्टैंडर्ड बोलता है कब माना जाएगा यू हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज, व्हेन यू बेसिकली हैव व्हाट, आरटीओ साहब, विच मीन्स यू हैव राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ असेट एंड असेट यूज से इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने का आपका अधिकार होना चाहिए। लेकिन यही नहीं, ये होने से तो वो आपके लिए एक असेट है, पर क्या आपके पास उसे यूज करने का राइट है, ये नेसेसरली नहीं है। तो दैट मीन्स आई ऑल्सो शुड हैव वॉच। रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, RTDM सुना होगा कभी, बहुत पहले मूवी आई थी, आपके जमाने की नहीं है तो भूल जाओ। RTD विच इज बेसिकली वॉट, राइट टू डायरेक्ट, वापस से क्या वही यूज ऑफ असेट। तो दैट्स अ कॉमन फ्रेज। तो अगर आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट यू हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द असेट, एंड सेकेंड यू हैव द राइट टू डायरेक्ट, राइट टू डायरेक्ट व्हाट द यूज ऑफ द असेट, इफ यू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन यू कैन से दैट यू डू हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन असेट, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब राइट टू सब्सटैंशियली ऑब्टेन ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आपको ये समझना है कि जब मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं। इट कुड बी डायरेक्ट बेनिफिट्स, इट कुड बी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। एज इन वॉट डायरेक्ट बेनिफिट, एज इन जो उसका मेन प्रोडक्ट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है, ये सब बनाने का मेरा राइट होना चाहिए। यूज ऑफ द एसेट का मतलब यूज भी अलग अलग तरह से हो सकता है। इट कैन बी यूज योर सेल्फ, और यूज बाय सबलीजिंग इट टू अदर्स। यानी ये जरूरी नहीं कि आप यूज करो या कोई और यूज करे, जरूरी है कि यूज से जो फायदे होते हैं वो आपको मिले। फिर आप खुद कराओ या आउटसोर्स करा दो, जॉब वर्क पे दे दो, तब सब लीज करा दो या आउटसोर्स कर दो, दैट विल रियली नॉट अफेक्ट। वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सैमसंग की वो फैक्ट्री बनाएगी स्क्रीन्स, वो सब किसके काम आएगी, एप्पल की। तो इसका मतलब एप्पल को ही उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। तो कंडीशन नंबर वन तो प्रूव हो जाती है। अगला सवाल, क्या एप्पल के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट है, यानी कि वो फैक्ट्री अल्टीमेटली चला कौन रहा है, सैमसंग या एप्पल? इसके लिए आपको क्या देखना होगा, तो इट्स इज अब ये देखना दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको इनफैक्ट बता दूँ बहुत ध्यान से। दिस इज अनदर वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड विच हैज लॉट ऑफ नॉन न्यूमेरिकल पोर्शन इन टू इट। इसका मतलब क्या है, स्टडी मटेरियल के 50 क्वेश्चन में से देर आर सम अराउंड 40 क्वेश्चन इन फैक्ट विच आर ऑल नॉन न्यूमेरिकल, जिसमें कोई कैलकुलेटर यूज नहीं होता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है। एजुकेशन मटीरियल के 85 क्वेश्चन में से मेजॉरिटी आर नॉन न्यूमेरिकल। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आ सकते हैं। लोग इसे थ्योरी कहते हैं, मैं पसंद नहीं करता, मैं उसे नॉन न्यूमेरिकल कहना चाहता हूँ, बिकॉज ये थ्योरी नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो इसमें अब आप एक चीज समझ,
अब आप एक चीज समझो, नॉन न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको मार्क्स कम मिलेंगे जब आप उसका कंटेंट जैसे इंडेज की लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है वैसा लिखोगे, ना कि जनरली लिखोगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग सो स्लो एंड स्टडी इन दिस, सो दैट आप इस कंटेंट को सिर्फ समझ ही ना सको, आप एग्जैक्टली इसको यूज कर सको। तो अगर आपका क्वेश्चन कोई इस तरह का आएगा जो अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझोगे, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है लीज है या नहीं है, तो ये प्योर नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दैट इज व्हाई यू विल हैव टू एग्जैक्टली यूज द करेक्ट टर्मोलॉजीज। तो आपको कहना है आई हैव टू हैव टू राइट्स, वन इज बेसिकली द राइट टू, I should say I have the right to obtain substantially all economic benefits, and second I have the right to direct the use of the asset. अब आप कब मानोगे कि आपके पास right to direct the use of the asset है? तो ये कहते हैं कि right to direct the use of the asset will be with the customer if he has the right to take decisions about how and what as in for what purpose, how as in how to use the asset. यानी अगर आपके पास हाउ एंड व्हाट के राइट है, जिसको अपन अपने सामान्य यूजेज में एच एंड डब्ल्यू कहेंगे आपसे, अगर ये दो राइट आपके पास है, जिसका मतलब क्या हो गया, कैसे यूज करना है असेट को और किस पर्पज के लिए यूज करना, अगर ये आपके पास है वो राइट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप कहोगे कि यस यूजर हैज द राइट फॉर इट। एंड व्हेन आई से हाउ एंड व्हाट पर्पज, इसका मतलब कब माना जाएगा, तो यूजुअली if customer can decide on what okay a b c d f g h i j k l m n o p q r s t t se shuru karna hai t u v w mujhe to sabhi w lag rahe hain। इसका मतलब क्या है, इफ यू कैन बेसिकली टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फोर थिंग्स, वन व्हाट इज द टाइप ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, टू व्हेन डू यू प्रोड्यूस इट, थ्री डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट, एंड व्हाट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस। And where to produce? T U V W, जिसमें U V मुझे W दिख रहा है, T W W W है कुछ तो भी सर। हाँ ठीक है, अब क्या करें, थ्योरी है याद रखना पड़ेगा, थ्योरी नहीं है नॉन न्यूमेरिकल है, ओ अभी मैंने बोला था। तो यूजुअली इफ कस्टमर कैन डिसाइड ऑन टी डब्ल्यू 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 ऑफ द एसेट, देन इन दैट केस माना जाएगा कि उसके पास क्या है, ये राइट है। ऑब्वियसली ये सब एंड कंडीशंस है। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थियोरेटिकल हो रहा है, तो इसके लिए आप इसको यूँ समझ लीजिए कि क्या सैमसंग की वो फैक्ट्री में कब कितना माल बनाना है, ये एप्पल डिसाइड करता है, बनाना है या नहीं बनाना है ये एप्पल डिसाइड करता है, क्या उससे माल निकलेगा क्या ये एप्पल डिसाइड करता है। अगर ये सारे डिसीजंस एप्पल के हाथ में हैं तो माना जाएगा कि एप्पल ने सच देखा जाए तो लीज पे उस फैक्ट्री को लिया, भले ही फिर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कहाँ पर, इन द फैक्ट्री, वो हो सकता है सैमसंग की रोल्स पे और वो काम करते हो। इनफैक्ट स्टैंडर्ड साफ साफ कहता है कि राइट टू डायरेक्ट में दिस इज व्हाट इज टू बी सीन, एंड व्हाट इज नॉट टू बी सीन इज हु फंक्शनली ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द एसेट इज नॉट द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग who has the right to direct the use of asset। yani ye bol diya hai ki operations or maintenance could be secondary। the best example for this could be a hotel। hotel mein kya hota hai dosto samajhna,
अब देखो कि होटल बिजनेस इंडिया में अभी बड़ा ग्रो कर रहा है और आगे ग्रो भी करेगा, बिकॉज टूरिज्म इज एक्चुअली वन ऑफ दो सेक्टर्स विच इज गोइंग टू मेक बिग मनी डाउन द लाइन। तब ताज जैसी कंपनियां होटल्स में इतना एक्सपेंशन करती है, तो इनकी क्या सारी खुद की होटल्स ओन प्रॉपर्टीज हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, लॉट ऑफ प्लेसेस दे डू टेक प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। तो से फॉर एग्जाम्पल वॉट हैपन्स इज कि जैसे अपन बात कर रहे थे, तो देर इज अ पर्टिकुलर पैलेस इंदौर के पास में, मांडव करके एक जगह है। मैं बड़ी बात करता हूँ इंदौर की, क्यों? क्योंकि मुझे बड़ी इच्छा है कि आप लोग आओ, रिजल्ट के बाद मिलने आओ, तो ये सारी जगह मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ घूमने जाओ, लेके जाओ साथ में। तो यहाँ पे पास में देर इज अ प्लेस जैसे एमपी का हिल स्टेशन भी कहते हैं, मांडव। अ प्रीटी गुड प्लेस, वेरी अनएक्सप्लोर्ड। तो मांडव में रानी रूपमती का महल है, और से फॉर एग्जाम्पल एक दिन रानी रूपमती, उनके जो भी अभी वंशज है, उनके सपने में आई और उन्होंने बोला कि ये मेरा महल आप ताज को दे दो और उसे प्रॉपर्टी पे होटल बनाने दो, ताकि देश विदेश से लोग आ सकें और रानी रूपमती के बारे में जान सकें। तो उन्होंने ताज के साथ टाइप किया और उस टाइप में बोला कि भाई यहाँ पे अब आप होटल चला लो। अब सवाल यहाँ पे ये यह है कि ताज अगर यहाँ पे होटल इस्टेब्लिश करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रॉपर्टी को वो लीज पे लेगा, तो एक 20 साल का अग्रीमेंट हो गया है कि भैया वो इसे यूज करेगा। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आप एक चीज समझिए कि राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट प्योरली ताज के पास होगा। वो डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, कि इसमें कितने रूम्स रखने हैं, कितना किराए पे चलाना है, कितना खुद के पास रखना है, कितना रेंट पे देना है, कब देना है, देना है नहीं देना है, सारे डिसीजंस ऑफ राइट टू डायरेक्ट द यूज विल बी विद ताज। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ताज ने लीज पे ली है। लेकिन इसकी जगह सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई एम ऑलरेडी रनिंग अ पर्टिकुलर होटल, सो से फॉर एग्जाम्पल ताज इटसेल्फ इज रनिंग अ पर्टिकुलर होटल एंड दिस होटल ताज इज रनिंग इन अ प्लेस कॉल्ड पुष्कर, राजस्थान। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो हर कोई ताज को जानता नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी खुद की एक होटल थी, उसने शेरेटन के साथ एक टाइप कर लिया और उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भाई शेरेटन और हमारा कुछ ऐसा टाइप है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है वो शेरेटन देखेगा, यानी शेरेटन का ट्रेन स्टाफ यहाँ पे आएगा, उसका ब्रांड यूज किया जाएगा, इट विल बी ताज शेरेटन लाइक्स एंड ऑपरेशन उसके शेरेटन के पास होंगे, बदले में हम शेरेटन को हमारे रेवेन्यू का एक परसेंटेज दे देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या शेरेटन के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट आ गया? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ मैनेजमेंट उसे दिया है। असेंशियली स्पीकिंग रूम्स कितने रखने हैं, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, कैसे डिसाइड करना है, रेंट पे देना है नहीं देना है, ये काफी सारी चीजें अभी भी ताज के हाथ में ही होंगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ऑपरेशन हमने आउटसोर्स कर दिया, हम ये नहीं बोल सकते कि ये लीज पे मैंने एसेट को दे दिया, बिकॉज राइट टू डायरेक्ट द यूज स्टिल इज विद ताज। तो आप ऐसा देखते हैं कई सारी स्कूल जैसा करती है, दैट दे डू गिव देयर मैनेजमेंट ओवर टू सम अदर स्कूल, जैसे जी बिजनेस स्कूल्स, माउंट लिटेरा जो जी बिजनेस स्कूल्स के स्कूल्स हैं, ब्रांड नेम है, वो लोग करते हैं कई सारे प्राइवेट स्कूल्स का, दे टेक द मैनेजमेंट, दे डोंट टेक द एडमिशन प्रोसेस ओवर, यानी एडमिशन उनके जो रियल ट्रस्टीज ओनर्स हैं वही डिसाइड करते हैं, ये बस उसको पूरा मैनेज करते हैं। तो उनके पास कोई राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द असेट नहीं है, इसका मतलब ये लीज पे ली हुई स्कूल नहीं मानी जाएगी। पर मैं बोलूँ ऑनर्स को, तुम लोग सब पढ़ जाओ, स्कूल का एडमिशन से लेके इसकी फीस, इसमें कौन स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, क्या कोर्स चलेगा, सब मैं डिसाइड करूंगा, तो फिर ओनर से आपने असेट स्कूल को लीज पे ले लिया, लीज की अकाउंटिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, दीज आर सर्टन बेसिस फॉर विथ और विथ वॉट यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर यू हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज और नॉट। अब इसमें ये सब देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, राइट टू कंट्रोल द यूज के लिए दो चीजें हैं। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड बेसिकली हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड दूसरा यू शुड हैव द राइट टू ऑब्टेन बेसिकली व्हाट द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। अब इसमें एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, कई बार सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक असेट लीज पे दी और मैंने उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कैसा रिस्ट्रिक्शन? तो जैसे मैंने कहा राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स और राइट टू डायरेक्ट द यूज होना चाहिए मेरे पास। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्रक रेंट पे दे दिया और मैंने बोला भैया ये ट्रक लेके आप सिर्फ भारत में ही घूमोगे, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाओगे, या इसी स्टेट में रहोगे बाहर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ट्रक का जो परमिट है ना वो स्टेट का ही है या कंट्री का ही है। तो अब प्रैक्टिकली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स खत्म हो गए? ऐसा नहीं बोलना है। When I say right to obtain substantially all economic benefits, मैं चेक कर रहा हूँ, तो what I'm checking is right to obtain substantially all economic benefits within the scope of
राइट्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात समझना, अगर आपने कोई एक पैलेस 20 साल के लिए लीज पे ले लिया है, तो आप उसके सब्सटैंशियल बेनिफिट 20 साल तक ही लोगे ना, उसके बाद के थोड़े ना लोगे। आप ये बेसिस पे कि भैया 20 साल के बाद तो मुझे वापस देना पड़ेगा वो पैलेस, तो कहाँ सब्सटैंशियल बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, तो ये तो पहली कंडीशन में ही फुलफिल नहीं हुआ तो लीज नहीं है, ऐसा नहीं होता बेटा। आपने जितने समय का या जो स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो अगर आपने कोई ट्रक लिया और वो ट्रक की राइट से कंडीशन है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द स्टेट, और कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टेट के अंदर उस असेट को कैसे यूज करना है, ये मेरे हाथ में। तो अगर उस ट्रक में मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूँ, आई कैन ट्रांसपोर्ट कैटल, आई कैन ट्रांसपोर्ट फूड आइटम्स, आई कैन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आई मे ट्रांसपोर्ट वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव द डिसीजन, आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट और नॉट, आई विल डिसाइड वेयर टू यूज दिस पर्टिकुलर ट्रक विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, आई विल डिसाइड फ्रॉम वेयर टू वेयर विल इट गो, आई विल डिसाइड, आई हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज एंड आई विल ऑल्सो ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ दी असेट। पर आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं यार इस पे तो रिस्ट्रिक्शन आ गया, तो ऐसे राइट्स को नॉर्मली क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव राइट्स। ये किसके प्रोटेक्टिव राइट्स हैं, ऑफ द सप्लायर और द लेसर। व्हाट आर प्रोटेक्टिव राइट्स, बेसिकली राइट्स विच आर बेसिकली केप्ट विद द सप्लायर ईदर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि भाई आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा, या मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको ये पैलेस तो दे रहा हूँ लीज पे 20 साल के लिए, पर अगर आपको इस पैलेस में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो एक बार मुझे इत्तला करना पड़ेगी। इसलिए नहीं कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए कि मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ना कर दो जिससे 20 साल बाद जब मुझे असेट मिले तो उसमें मुझे मेजर लॉस हो जाए। तो राइट्स केप्ट विद सप्लायर ईदर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट और टू कंप्लाई विद एनी लॉ एंड रेगुलेशन, प्रोटेक्टिव राइट्स, एंड हेंस डू नॉट इंटरफियर विथ द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट। In fact, they just define the scope of contract. मेरे स्टूडेंट जानते हैं दोस्तों, पढ़ाते समय बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, जो एग्जाम्पल जहाँ ठीक लगे वहाँ पे आप नोट करते जाइएगा। फिर आपको कहीं एप्पल सैमसंग का लिखना है, या आपको कहीं हॉस्टल वाला लिखना है, या फिर आपको ताज ने रानी रूपमती का पैलेस रेंट पर लिया ये लिखना है, ये आप अपनी मेमोरी के लिए लिख लीजिए जहाँ पे आपको रेलिवेंट लगता है। तो ये सिर्फ स्कोप डिफाइन करती है और ये इंटरफियर नहीं करेंगी, किससे इंटरफियर नहीं करेंगी, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। यानी ऐसी राइट होने के कारण आप ये नहीं बोलोगे कि ओ मबा इसके कारण से अब मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ लीज। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव राइट्स अगर लेसर ने अपने पास या सप्लायर ने अपने पास रखी है तो इससे हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। ये आपका कुछ छोटा मोटा डिस्कशन हो गया हमारा, किसका, वेदर द कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व्स अ लीज और नॉट। इसके अलावा स्टैंडर्ड में क्या कहा गया, तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप ये डिफाइन करते हो कि असेट को आप यूज कैसे करोगे, तो इसमें भी देर आर टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स विच आर कवर्ड हियर। व्हाट आर दीज एस्पेक्ट्स, देखना, हमने बोला कस्टमर हैज द राइट टू टेक डिसीजन अबाउट हाउ एंड व्हाट, हाउ टू यूज द असेट एंड व्हाट What purpose the asset is to be used? इसमें एक बेसिक मुद्दा ये आता है कि असेट के यूजेज क्या होना चाहिए, What should be the usage of the asset? तो स्टैंडर्ड कहता है कि if the use of assets are predetermined, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो क्या कह के, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया, प्री डिमाइंड है कि भैया ये असेट के यूजेस होंगे। इसका मतलब क्या है समझना मेरी बात, मैंने आपको पैलेस रेंट पे दिया, मैंने बोला भाई ये पैलेस हम आपको रेंट पे दे रहे हैं होटल चलाने के लिए, है ना। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने पैलेस रेंट पे ले लिया और मालूम पड़ा यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया आपने,
या मालूम पड़ा कल दिन आपने कैसीनो खोल दिया, आपको हमने स्पेसिफिक यूज के लिए दिया, तो अब सवाल ये उठा कि फिर तो मेरे पास राइट टू डायरेक्ट द यूज ही नहीं आएगा। तो वापस से वही वाली बात है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप डिफाइन कर रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोलेंगे इफ द यूज आर प्री डिटरमाइंड देन टू कस्टमर हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ अ सेट इफ ए The asset is designed, excuse me, specifically for that use only. यानी मैंने आपको एक ट्रक लीज पे दी और मैंने कहा कि भैया ये जो पर्टिकुलर ट्रक है ना, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल और पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करोगे, क्योंकि वो ट्रक मैंने डिफाइन ही कैसा कर रखा है, उसका स्ट्रक्चर ही पूरा ऐसा है कि उसमें लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज ट्रक मैंने क्या दिया आपको, उसमें बॉडी, मैंने आपको ट्रक दिया और उसकी बॉडी बनी हुई नहीं अभी, और वो जो बॉडी है वो अभी बनाना बाकी है, और मैंने आपको प्लेन ट्रक दे दिया, उसकी बॉडी छोड़ के जो उसका पीछे स्टोरेज का कंटेनर बनता है वो छोड़ के दे दिया, यानी असेट स्पेसिफिकली उसके लिए डिजाइंड अगर नहीं है। पर मैंने कहा कि भैया आप इसको सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज करोगे, तो भी हमारा राइट टू डायरेक्ट द यूज आ जाएगा इफ कस्टमर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सप्लायर कैन डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट विद इन द प्री डिटरमाइंड यूज। यानी घुमा फिरा के सिर्फ इतना सा कहना है मेरा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में उस असेट के हर पॉसिबल यूज को आप कस्टमर को लेने की परमिशन दो। कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में आप लिख सकते हो यू विल ओनली यूज इट फॉर दिस पर्पस। मैंने आपको एक लैंड लीज पर दे दी है 450 ईयर्स, वरना आप सिर्फ एग्रीकल्चर करोगे, तो इस केस में क्या राइट टू डायरेक्ट द यूज माना जाएगा? तो मैं बोलूंगा हाँ, प्रोवाइडेड इसमें मैंने इस स्कोप में लिखा था एग्रीकल्चर के लिए दे रहा हूँ, और आप इसमें जैसे चाहो जो चाहो वो एग्रीकल्चर कर सकते हो। अब बाद में अगर मैंने ये बोल दिया कि भैया एग्रीकल्चर करने के लिए आप जब लैंड की खुदाई करोगे तो मुझसे पूछोगे कैसे खुदाई करेगा, कौन खुदाई करेगा, मैं डिसाइड करूंगा, क्या बीज बोओगे ये मैं बताऊंगा, तो फिर आपके पास कोई राइट टू डायरेक्ट द यूज ही नहीं है। फिर आप समझ जाओ आप प्रैक्टिकली सामने वाले को लीज पे ये असेट दे ही नहीं रहे हो, यानी लेने वाला एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे मजदूरी का काम करने के लिए आ रहा है, डिसीजन मेकिंग पूरी आपके पास। तो मैंने अगर किसी को कहा कि यार मैं यहाँ पे बताऊंगा तुमको कौन से बीज बोने, कौन से इसमें फसल उगेगी, कब इसकी हार्वेस्टिंग करना है, मुझे दे या बेचना है, तो सब मेरे हाथ में है, तो फिर मैंने कहाँ आपको ये असेट यूज करने का राइट दिया है? आप सिर्फ लेबरर हो, आप आओगे अपनी लेबर सर्विसेज के पैसे लेके चले जाओगे। लेकिन लीज पे देना होता तो मैं क्या बोलता भैया, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे सिर्फ अफीम उगेगी, खत्म, कांचा नाम है हमारा, कांचा सेट, और अफीम ही उगेगी और कुछ नहीं उगाओगे आप, खत्म। अब आपको उगाना है उगाओ, नहीं उगाना मत उगाओ, कितनी उगाना है आप उगाओ, कैसे उगाना है, कौन सा फर्टिलाइजर क्या करना है, तो फिर हम बोलेंगे प्री डिटरमाइंड यूज है, पर उस यूज में जैसा कस्टमर चाहे वैसे यूज कर सकता है। और इन एनी पर्टिकुलर केस, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये लैंड सिर्फ और सिर्फ अफीम के ही काम आ सकती है तो भी चल जाएगा, और सपोज हम बोलते नहीं यहाँ तो कंस्ट्रक्शन भी हो सकता था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अफीम की ग्रो करने की कंडीशन रिस्ट्रिक्ट कर दी है, पर उसमें जैसे आपको करना आप कर सकते हो, तो भी माना जाएगा कि ये असेट में राइट टू डायरेक्ट द यूज हमने कस्टमर को दे रखा है। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो वेदर द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट हैव बीन गिवन और नॉट, एंड इफ यू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस वी विल से द राइट टू कंट्रोल द यूज इज गिवन टू द राइट टू कंट्रोल द यूज इज गिवन टू द कस्टमर, एंड देन इट कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। तो लीज होने के लिए दो कंडीशन थी, आइडेंटिफाइबल एसेट एंड राइट टू कंट्रोल द यूज। आइडेंटिफाइबल एसेट की हमने क्या कंडीशन देखी, एक्सप्लिसिटली इंप्लाइडली होना चाहिए आइडेंटिफाइबल एसेट के लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हमने देखा कि सप्लायर के पास सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए, कब मानेंगे है जब उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज जब चाहे तब उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो हम मानेंगे कि उसकी सब्सटेंसिव राइट है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लीज का नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा राइट नहीं है तो मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज हो सकता है, प्रोवाइडेड दूसरी कंडीशन राइट टू डायरेक्ट द यूज हो। एप्पल कंपनी सैमसंग की फैक्ट्री जैसे चाहे वैसे नहीं चलवा सकती है, वो सारे अधिकार अगर सैमसंग के पास ही है तो एप्पल ने एक्चुअल में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है स्क्रीन परचेज करने का, वो अपनी बुक्स में परचेज ऑफ गुड्स दिखाएगी, ना कि फैक्ट्री लीज पे लेना शो करेगी।
पर सपोज मैं किसी को कहता हूँ कि भैया आप पूरी की पूरी फैक्ट्री बना के दो और मैं उसे ऑपरेट करूंगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली आई एम द गन, आई विल इन फैक्ट से दैट आई एम द वन हुज एक्चुअली ऑपरेटिंग इट, दैट मीन्स आई एम जस्ट टेकिंग द एसेट ऑन लीज फ्रॉम यू। ये सुन के हो सकता है आपके मन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स आने लग जाए, तो ध्यान रखना इस पूरे डिस्कशन में जो हमने किया है कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं और वो एक्सक्लूजन्स हम बाद में पढ़ेंगे। स्कोप एक्सक्लूजन, जैसे कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पे मैं सरकार के लिए रोड बना के उसको ऑपरेट करके सरकार को दे देता हूँ, ये 115 में सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स में कवर होते हैं, दैट इज वाई दे बीन स्कोप्ड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर कोई आपका राइट टू यूज असेट में असेट लो वैल्यू असेट है तो वो भी एग्जम्पशन में कवर होता है, यू मे नॉट डू लीज अकाउंटिंग फॉर इट। तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द बेसिक प्रोविजंस, एक्सेप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो मैं A7 एकदम आखिरी में डिस्कस करूंगा इन द लास्ट पॉइंट विच इज स्कोप एक्सक्लूजंस एंड एग्जम्पशंस। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन करके हमारी दो चीजें कवर हो गई है, राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल एसेट चेक्ड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इन्वॉल्व्स अ लीज और नॉट। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस। कूल, चलिए लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ऐसे हम स्टडी मटेरियल का दूसरा क्वेश्चन है, पहला हमारा एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, आखिरी में पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। बनाइए असेट इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर एक्स वाई जेड एंटर्स इनटू अ 10-ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर एबीसी फॉर यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कस्टमर एक्स वाई जेड। अब कृपा करके मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा, लीज के क्वेश्चन की दोस्तों मेरी तरफ से कुछ टिप्स लिख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रिटिकल एसजे टिप्स ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में लेंदी होंगे, दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन। पहला, क्लियरली आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड सप्लायर, फोकस ऑन द डेट्स पीरियड, यू शुड ऑल्सो not ignore the nature of asset involved. normally हम क्या होता है, अब हमारे लिए आप समझिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन कोई प्रोविजन का आता है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोविजन वारंटी का है या लीगल क्लेम्स का है, हम फैक्ट्स के अनुसार डिसाइड करेंगे बनना है या नहीं, पर यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका चेंज हो जाएगा, तो जो आपका असेट इन्वॉल्व है उस पर भी आपको फोकस करना है एंड जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक योर डिसीजन, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो फिर देन यू शुड बेसिकली हैव अ गुड लुक एट द अमाउंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन पढ़ते से ही आप ये आइडेंटिफाई कर लो कस्टमर कौन है सप्लायर कौन है और कौन सी असेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। चलिए, तो कस्टमर एक्स वाई जेड, तो हम समझ गए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है जो क्या कर रहा है, कुछ ले रहा है, ही इज एंटरिंग इनटू अ 10-ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे पास एक 10 साल की टर्म आ गई है। सप्लायर कौन है, एबीसी है, फॉर यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक दिस इज द आइडेंटिफाइबल असेट जिसको अंडरलाइंग असेट भी कहते हैं इस स्टैंडर्ड में, अंडरलाइंग असेट जिसका कॉन्ट्रैक्टर है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कस्टमर एक्स वाई जी, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए डिजाइंड असेट है, तो अपन इसमें नॉर्मली ऐसा मान सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड यूज भी होगा तो भी हम मान लेंगे कि राइट टू डायरेक्ट द यूज आ गया, अगर आप हाउ और व्हाट के डिसीजंस ले सकते हैं। इट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल यूज बाय कस्टमर एक्स वाई जेड कस्टमर production process and is not suitable for use by other customer. Rolling stock is not explicitly specified in the contract.
तो कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइबल एसेट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं है। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ एसेट में इम्प्लाइड भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसके लिए डिजाइंड है। जैसे मैंने आपको नहीं कहा था मुझे ऑडी चाहिए मिनिमम 200 कैपेसिटी का, और एक ही ऑडी आपके पास जिसमें 200 या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है, तो उसका मतलब वही ऑडी का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भले ही स्पेसिफाइड नहीं है। तो क्योंकि ये स्पेसिफिकली उसके लिए डिजाइंड है तो मैं मान सकता हूँ एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं है, फिर भी इम्प्लाइड है, ही आइडेंटिफाइबल एसेट है। बट सप्लायर एबीसी इज ओनली ओन्स ओनली वन रोलिंग स्टॉक विच इज सूटेबल फॉर एक्स वाई जेड यू। इफ द रोलिंग स्टॉक डज नॉट ऑपरेट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सप्लायर टू रिप्लेस और रिपेयर द रोलिंग स्टॉक। आपको बोला गया है क्या ये एक आइडेंटिफाइड असेट है, मैं बोलूंगा बिग येस। आंसर में क्या लिखेंगे? तो आंसर यहाँ पे तो बहुत ही छोटा सा दिया इंस्टीट्यूट ने क्योंकि इलस्ट्रेशन है, बट प्रॉपर आंसर बनेगा कि एज पर इंड एस 116। तो आई गिव यू सम फुल फ्लेज्ड आंसर्स ऑल्सो, एजुकेशन मटेरियल में वैसे आंसर्स मिलेंगे, बट हमको लिखना क्या पड़ेगा कि इंड एस 116। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, इट रिक्वायर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्लासिफाइड एज लीज इफ इट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल असेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। एन असेट इज सेट टू बी एन आइडेंटिफाइबल असेट व्हेन, तो हम कब किसी असेट को आइडेंटिफाइबल मानेंगे? व्हेन इट इज इम्प्लिसिटली, सॉरी, इट इज एक्सप्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट और इट इज इम्प्लाइड। इन द गिवन केस इट इज इम्प्लाइड दैट द असेट गिवन इज आइडेंटिफाइड असेट बिकॉज द सप्लायर हैज ओनली वन सच असेट एंड इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द कस्टमर एंड हैज नो अल्टरनेटिव्स। हेंस दिस इज द ओनली असेट विच द सप्लायर विल बी यूजिंग to give it to, in fact, basically provide to the customer. The same point of time, the supplier will have to replace it, and this replacement is primarily just what a protective right. तो ये जो है, this will not give substantive substitution right because the supplier is not getting economic benefits out of such replacement. तो hence there is an identifiable asset with no substantive substitution right of the supplier. Hence it constitutes an identified asset under 116. इट इज एन आइडेंटिफाइड असेट दो नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड, इट इज इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड बिकॉज ए बी सी मस्ट यूज इट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही वाहियात छोटा सा सवाल दिया है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट, एक्स वाई जी 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर ए बी सी फॉर अ कार, स्पेसिफिकेशन ऑफ कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड टाइप कलर ऑप्शन, एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कार इज नॉट येट बिल्ट, वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड असेट। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक बार बिल्ड होकर अगर दे दी तो फिर उस केस में क्या होगा, वही आइडेंटिफाइड असेट होगी। बट भले ही इसमें कहा है कि आपने एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन आइडेंटिफाई नहीं किया है, पर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है कि ये कैसी होगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाइबल असेट है। हाउएवर ओनली इफ द सप्लायर हैज नो सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट, इट विल बी ट्रीटेड एज लीज। तो क्वेश्चन आज सच ये नहीं पूछ रहा है कि लीज है या नहीं, आइडेंटिफाइड असेट है या नहीं, तो बोलूंगा आइडेंटिफाइड असेट है। पर लीज होने के लिए एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसके पास, आपके पास आइडेंटिफाइड असेट में नो सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए, वो दिया नहीं है। तो अगर वो चीज़ है तो फिर उस केस में आई वुड से कि ये अपने आप में लीज नहीं है। इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन में, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है, एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है, दे आर जस्ट इलस्ट्रेशंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। तो कई जगह इनके एक्सप्लेनेशंस थोड़े से अधूरे से, तो जहां भी ऐसा लगेगा आई विल फर्दर एक्सप्लेन। एजुकेशन मटेरियल के जब आप क्वेश्चन के आंसर्स देखोगे तो दे विल बी वेल कंप्लीट एंड एलैबोरेट। नेक्स्ट सिनेरियो ए, सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट, एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर वाज द सप्लायर, यानी एक तरह से अमेजॉन वेब सर्विस जैसा कुछ है, प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर व्हिच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्वर, सर्वर नंबर 10। सप्लायर हैज मेनी आइडेंटिकल सर्वर इन सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन एंड डिटरमाइंस एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज परमिटेड टू एंड इजीली सब्स्टिट्यूट अनदर सर्वर विदाउट कस्टमर कंसेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। तो जब चाहे तब मैं उसको सर्वर रिप्लेस कर सकता हूँ। The supplier would benefit economically from substituting alternative asset because doing this would allow supplier to optimize the performance of its network at a nominal cost. तो supplier server change करना चाहता है आपका storage देने के लिए, तो उसको फायदा होगा क्योंकि उसको वो और optimum तरह से use कर सकता है। वही मैंने 150-100 GB का example लिया था, और कोई cost नहीं लगती है ज़्यादा। और supplier ने clearly negotiate भी कराया कि उसके पास right of substitution होगा as an important right in the arrangement.
और इस राइट के कारण उसने पैसे भी कम चार्ज किए। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमारे पास राइट टू सब्सटीट्यूट है। क्या सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंसिव है? ओ यस। क्या ये आइडेंटिफाइड असेट है? तो हम बोलेंगे नो फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। तो हम बोलेंगे कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू यूज एन आइडेंटिफाइड असेट बिकॉज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सप्लायर, देख लो हर जगह क्या लिखा है, इंसेप्शन हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट द सर्वर एंड विल बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम सच सब्सटीट्यूशन, देयर इज नो आइडेंटिफाइड असेट। हाउएवर, ये इन्होंने जो लाइन लिखी है दोस्तों, इसकी वापस से कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब मैं आपको फिर भी जरूर समझाऊंगा। ये बोल रहे हैं इफ कस्टमर कुड नॉट रेडिली डिटरमाइन वेदर सप्लायर हैड अ सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट, लाइक इफ देर वॉज इन सफिशियंट ट्रांसपेरेंसी इन टू सप्लायर्स ऑपरेशन, कस्टमर विल प्रिज्यूम सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स आर नॉट सब्सटेंसिव एंड कंक्लूड दैट देर इज एन आइडेंटिफाइड असेट। सर ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कस्टमर को ये समझ नहीं आ रहा है कि सप्लायर सब्स्टिट्यूट कर पाएगा या नहीं, तो वो ऐसा अज्यूम कर सकता है कि सप्लायर के पास एसएसआर नहीं है, और उस केस में वो लीज की अकाउंटिंग कर सकता है। मैंने जो कहा था कि यू आर वेलकम टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर ये चीज इंस्टीट्यूट ने समझाने के लिए लिख दी है। आइडियली जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सप्लायर ने इसे क्लियरली निगोसिएशन के समय अरेंजमेंट के अंतर्गत लिख दिया था। ये बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो और मालूम नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि इसे हम मान लेते आइडेंटिफाइबल असेट है, जो इस क्वेश्चन के फैक्ट्स के अनुसार जरा भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो एग्जाम में आइडियली ये चीज नहीं लिखना चाहिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। चलिए सिनारियो भी देखते हैं। Assume same facts and scenario, except server 10 is customized and supplier does not have practical ability to substitute the customized asset throughout the period of use. Customized है यानी इसकी dimensions के लिए बनाएंगे, इसलिए फायदा नहीं होगा substitute करके। It is unclear supplier will benefit economically from sourcing similar alternative asset or not. इससे दिख भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर मान लेंगे सब्सटीट्यूशन राइट सब्सटेंसिव नहीं है और फिर ये आइडेंटिफाइड असेट हो जाएगा, और इसलिए सर्वर 10 को आइडेंटिफाइड असेट मान के लीज की अकाउंटिंग एप्लीकेबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपके पास राइट टू डायरेक्ट द यूज भी हो। कस्टमर एक्स वाई जी, यहाँ कस्टमर एक्स वाई जी एंटर्स इनटू 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अवर सप्लायर एबीसी फॉर राइट टू यूज 5 फाइबर्स विद इन अ फाइबर ऑक्टेव केबल बिटवीन मुंबई एंड पुणे। It identifies 5 of the cables, 25 fibers for use by customer XYZ. The 5 fibers are dedicated solely to customer XYZ's data for duration of the contract. Assume supplier has no substantive substitution right. क्या identified asset होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि 25 में से 5 cable identified है और आप उसको substitute change नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कस्टमर एक्स वाई जी एंटर्स इन टू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ए बी सी फॉर राइट टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश थ्रू पाइपलाइन। कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड की कस्टमर के पास राइट टू यूज होगा 95% ऑफ पाइपलाइन कैपेसिटी थ्रू टर्म। क्या ये आइडेंटिफाइड असेट है? आंसर इज येस। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग सब्सटैंशियली होल ऑफ द कैपेसिटी, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। हमने देखा था कि अगर आपके पास राइट टू यूज अ पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द कैपेसिटी हो तो उसमें दो केस में मानते हैं, ए वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो या फिर सब्सटैंशियली पूरी को बिलोंग करती हो, तो मान लेना कि आपके पास राइट टू यूज द आइडेंटिफाइड सेट है, इनफैक्ट आइडेंटिफाइबल सेट है। अज्यूम द फैक्ट सेम एज इन सिनेरियो 1 बट हमारे पास 65% है, तो फिर क्या आइडेंटिफाइबल सेट होगा? नहीं। एबीसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सवाईजेड लिमिटेड व्हिच ग्रांट्स एबीसी लिमिटेड, तो ग्रांट एबीसी लिमिटेड को एक्सक्लूसिव राइट है टू यूज अ स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी ओवर अ 5 ईयर पीरियड इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। तो यहाँ पे एक्चुअल में एबीसी इज द कस्टमर और एक्सवाईजेड इज द सप्लायर। 5 साल के पीरियड में आइडेंटिफाइबल असेट है एक वेयरहाउस स्टोरेज, और 5 साल के लिए मैं दूंगा, लेकिन 5 साल में सिर्फ मई और जून के लिए।
हाँ बताइए, मैंने बात किया था ऑडी में, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, बालकनी दी गई है, पर क्या वो बालकनी आइडेंटिफाइड है, डिस्टिंक्ट है फिजिकली? हाँ, तो क्या वो भी अपने आप में माना जा सकता है कि आइडेंटिफाइड एसेट है? हाँ, इसी तरह से यहाँ पे मुझे जो कोल्ड स्टोरेज दिया गया है वो साल के 2 स्पेसिफिक महीनों के लिए दिया गया है, तो क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट हो सकता है? हाँ, भले ही स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 महीने के लिए है, तो ये 2 2 महीने का जो अग्रीमेंट है मेरा, ये अपने आप में लीज होगा। ड्यूरिंग दीज मंथ्स एबीसी हैज द राइट टू डिसाइड विच क्रॉप्स आर प्लेस्ड इन स्टोर एंड व्हेन टू रिमूव देम। तो इसका मतलब मेरे पास राइट टू डायरेक्ट द यूजर है। तो ये क्वेश्चन आज सच किसका बन रहा है? पहले तो आइडेंटिफाइबल एसेट है, और दूसरा आइडेंटिफाइबल एसेट होने के साथ साथ राइट टू कंट्रोल द यूज, जिसमें हमने देखा था कि राइट टू कंट्रोल द यूज कब आएगा, जब आपके पास आरटीओ साहब राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड आरटीडी रहना तेरे दिल में, जिसमें हमने देखा था राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट है। राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ असेट के अंदर हमने देखा था कब मानेंगे, व्हेन यू हैव द कंट्रोल ओवर हाउ एंड व्हाट, एंड इन दैट सेंस यू डू हैव द कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ हाउ व्हेन व्हाट। एक्स वाई जी प्रोवाइड्स द लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विसेज, एक्स वाई जी सप्लायर लोडिंग अनलोडिंग दे रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ये कोई भी दे चलता है। अदर 10 मंथ्स एक्स वाई जी हैज़ राइट टू डिटरमाइन हाउ द वेयर हाउस विल बी यूज, तो ये तो स्कोप से ही बाहर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। किस पार्टी के पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज, तो हम बोलेंगे ए बी सी के पास है फॉर मे एंड जून। ए बी सी हैज़ राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइज असेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज बिकॉज दे हैव पावर टू डिटरमाइन हाउ द वेयर हाउस विल बी यूज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्चुअली डिफाइंड यूजेज पीरियड्स। एनालिसिस शुड फोकस ऑन द राइट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ द वेयर हाउस फॉर स्पेसिफाइड यूजेज पीरियड मे एंड जून। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज ए बी सी हैज़ राइट टू डिटरमाइन हाउ मच क्रॉप ऑफ प्लेस and the timing of placing and removing. These are more significant to economics of use of asset than loading and unloading services which are purely in the nature of operating services. ABC receives all economic benefits. ये वही RTO साहब during the specified period, the scope of the contract. Therefore, contract contains a lease. तो आई होप कि अब आप इन क्वेश्चंस को आंसर्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, बट आप प्रिंसिपली इसको लिखना कैसे है इन सीक्वेंस में वो भी समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपनी एमएनओ एंटर्स इनटू 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद अ पावर कंपनी पीक्यूआर टू परचेज ऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय न्यू सोलर फार्म, तो यहाँ पे कस्टमर कौन है? परचेजर एमएनओ, ये सप्लायर है, और मैं क्या खरीद रहा हूँ इससे? पूरी इलेक्ट्रिसिटी। तो आई हैव राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट द सेकंड थिंग इज राइट टू डायरेक्ट द यूज। सप्लायर ओन्स द सोलर फार्म एंड रिसीव्स टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ द सोलर फार्म। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्रेडिट किसे मिलते हैं? बेसिकली जो उसका लीगल ओनर है। एंड कस्टमर विल रिसीव द रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स विच इज कार्बन क्रेडिट्स विच अक्रू फ्रॉम द यूज ऑफ द सोलर फार्म। हु हैज द राइट टू सब्सटैंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम द सोलर फार्म? तो आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यूज करने से जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स है ये किसे मिल रहे हैं? कस्टमर को। और हमें एक्चुअली क्या देखना है? राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन से वाले? फ्रॉम यूज ऑफ असेट। ऐसा माना जाता है टैक्स क्रेडिट आर नॉट फ्रॉम यूज ऑफ असेट बट फ्रॉम ओनरशिप, टाइटल ऑफ असेट। टाइटल वाले बेनिफिट्स किसे मिल रहे हैं हमें ये नहीं देखना है, ओनरशिप वाले बेनिफिट्स किसे मिल रहे हैं हमें ये देखना है। समझ में आया? यानी आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे राइट टू ऑब्टेन सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ असेट, इसका मतलब क्या है? यूज आप करो सबलीज करो फर्क नहीं पड़ता है, बट कौन से बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं जो यूज से रिलेटेड है। यानी मैं लिख सकता हूं ओनरशिप रिलेटेड बेनिफिट्स इवन इफ नॉट विथ सप्लायर, ए सॉरी कस्टमर, it still has right to control the use, right to control if it
हैज राइट्स टू ऑब्टेन सब्सटैंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ असेट। ध्यान रखना दोस्त, लीज की एक प्रॉब्लम तो हमेशा है कि आप एक आइडेंटिफाइड असेट को अगर लीज पे दे दोगे तो सामने वाले के पास कभी भी उसको गिरवी रखने का अधिकार नहीं आएगा, क्योंकि लीगली ओनर कौन है? लेसर है ना, वो उसे बेच पाएगा। तो ये ऐसे भी जो अधिकार है बेचने के या गिरवी रखने के, ये यूज करने से रिलेटेड नहीं है, ये ओनरशिप रिलेटेड है। हमें ओनरशिप रिलेटेड अधिकार नहीं देना है लीज है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए, यूज से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो टैक्स क्रेडिट भले ही सप्लायर को मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूज के बेनिफिट्स अगर किसे मिल रहे हैं? एमएनओ को, तो हम बोलेंगे ही हैज द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इफ ही ऑल्सो हैज द राइट टू डायरेक्ट, इट विल बी अ लीज। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है कि आपके पास राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हैं? आपका आंसर होगा यस, एमएनओ हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ सोलर फार्म बिकॉज इट ऑब्टेन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द प्राइमरी आउटपुट एंड द रिन्यूअल एनर्जी क्रेडिट्स व्हिच इज कैन यू से द बाय प्रोडक्ट्स। ऑल्दो पीक्यूआर सप्लायर गेट्स सोलर फार्म टैक्स क्रेडिट बट दीज बेनिफिट्स रिलेट टू ओनरशिप ऑफ द फार्म्स एंड डू नॉट रिलेट टू यूज, हेंस ही डज हैव सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि लीज, सॉरी लीज है या नहीं है। लीज होता तो अपन वो भी एंगल लिखते हैं कि आपके पास इसके साथ राइट टू डायरेक्ट यूज होना चाहिए। सिर्फ ये पूछा है सब्सटेंशियल बेनिफिट्स हैं क्या, तुम बोलेंगे हाँ भाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी इस इंडेक्स का हमने सिर्फ दो एंगल इनफैक्ट ये पढ़ा है, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ लीज और नॉट। उसमें सिर्फ दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आइडेंटिफाइबल एसेट और राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट। और उसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आर गिवन द स्टडी मटेरियल आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दैट टोटल 50 क्वेश्चंस। इसका मतलब आप समझ गए शायद कि अपने आप में कितना लेंथी और इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देन राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट, कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर वाई टू यूज अ व्हीकल फॉर अ 5 ईयर पीरियड। तो यहाँ पे कस्टमर एक्स है और सप्लायर वाई है और कॉन्ट्रैक्ट में असेट व्हीकल है और 5 साल की टर्म। इट इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई कैनॉट सब्स्टिट्यूट अनदर व्हीकल अनलेस इट इज नॉट ऑपरेशनल। तो ये ठीक है, सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्स ऑपरेट द व्हीकल, तो कस्टमर के पास व्हीकल है ऑपरेट करने के लिए और डायरेक्ट अदर्स टू ऑपरेट द व्हीकल, या वो किसी और को भी दे सकता है। ही डिसाइड्स हाउ टू यूज द व्हीकल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, एक्स डिसाइड्स वेयर द व्हीकल गोज एज वेल एज व्हेन और वेदर इट इज यूज्ड एंड व्हाट इज इट इज यूज्ड फॉर। यानी वो WWWT सब किसके पास है? एक्स के पास है। ही कैन ऑल्सो चेंज द डिसीजन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, जब चाहे तब वो बदल सकता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। वाई प्रोहिबिट सडन यूजेज ऑफ द व्हीकल एंड मॉडिफिकेशन टू व्हीकल्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टिव राइट्स। क्या एक्स के पास राइट टू डायरेक्ट द यूज है? द आंसर इज अ बिग यस। क्यों? क्योंकि ही हैज द राइट टू डायरेक्ट एंड ही कैन टेक द डिसीजन ऑफ हाउ एंड वॉट एंड ही ऑल्सो हैज द राइट टू डिसाइड वैन वेयर फॉर वॉट पर्पज एंड फॉर वॉट टाइम ही कैन यूज इट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स द राइट्स ऑफ द सप्लायर आर ओनली प्रोटेक्टिव इन नेचर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर एज टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स इन अ फैसिलिटी, तो सप्लायर एच है यहाँ पे और कस्टमर ए है और बोला गया है कि इस कस्टमर फैसिलिटी में कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर कराएगा। Entity A designed the facility and provided its specification. Supplier H owns the facility and the land. Entity A specifies how many parts it needs and when it needs the parts to be available. Supplier H operates the machinery and makes all operating decisions including how and when the parts are to be produced as long as it meets the contractual requirements. Yeh Apple Samsung wala hai. A for Apple aur H for Samsung. Eh, kuch to bhi sir. Ab aap yahan dekho, yeh jo line hai, yeh important hai. Supplier H ke paas kya hai? Sare operating decision including how and when the parts are to be produced. Assuming supplier H cannot substitute the facility, इट इज अर आइडेंटिफाइड असेट। तो अब एक चीज समझो, सब्सटेंसेस सब्स्टिट्यूशन राइट्स आइडेंटिफाइबल असेट का पार्ट होता है,
तो ये आइडेंटिफाइबल एसेट है, लेकिन राइट टू डायरेक्ट द यूज़ में हाउ एंड व्हाट के डिसीजंस किसके पास है ये देखना होता है, और वो डिसीजन सप्लायर के पास है, इसलिए ये आइडेंटिफाइड एसेट है लेकिन राइट टू कंट्रोल द यूज़ नहीं है। तो हम बोलेंगे एंटिटी ए डज नॉट डायरेक्ट द यूज़ ऑफ द एसेट दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्राइव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट बिकॉज सप्लायर डिसाइड्स हाउ एंड व्हेन द इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड। हेंस एच हैज कंट्रोल राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। हेंस द अरेंजमेंट इज अ सप्लाई एंड नॉट अ लीज अरेंजमेंट, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस का है और लीज नहीं है। उप्स। नेक्स्ट, एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी ए अ शिप ओनर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी ए शिप ओनर। तो शिप का ओनर अगर कंपनी ए है तो ये सप्लायर होना चाहिए और ये कस्टमर होना चाहिए। आइडेंटिफाइड एसेट शिप है और 5 साल की टर्म है। फॉर यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट शिप एल कस्टमर डिसाइड्स वेदर एंड व्हाट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड व्हेन एंड टू विच पोर्ट्स इट विल सेल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप डिफाइंड हो सकता है। दीज रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट एल कस्टमर फ्रॉम सेलिंग द शिप इन टू वाटर्स एट हाई रिस्क ऑफ पायरेसी, जहाँ पे थोड़े क्या होते हैं हमारे पायरेट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हमने मना कर रखा है ले जाने को, और एक्सप्लोजिव भी कैरी नहीं करना है, प्रोटेक्टिव राइट्स है। सप्लायर ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द मशीन, कोई भी ऑपरेट मेंटेन करे डी फर्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ पासेज, वो हैज द डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट द यूज। तो इट इज एंटिटी एल हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द शिप। आई होप नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी काइंड ऑफ आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई दीज पर्टिकुलर थिंग्स। और इसी के साथ हमारा किसका डिस्कशन हम बोलेंगे कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफाइबल असेट और राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज डन। इसके अलावा मेरे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हैं, इसको भी मैं करवा देता हूँ। एंटिटी एक्स पी एन जी प्रोवाइडर एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट फॉर 15 इयर्स विद एंटिटी वाई फॉर यूजिंग 60% ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ गैस पाइपलाइन। पी एन जी इज पेट्रोलियम नेचुरल गैस, सी एन जी का दूसरा फॉर्म, और 15 साल का अग्रीमेंट है वाई के साथ जिसमें 60% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ गैस पाइपलाइन यूज होगी। क्वांटिटी ऑफ गैस व्हिच इज टू बी सेंड इन द पाइपलाइन इज डिसाइडेड बाय एंटिटी एक्स। वाई मेक्स ऑल डिसीजन रिगार्डिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन। एक्स पेस फिक्स कैपेसिटी चार्ज पर मंथ एंड वेरिएबल अमाउंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ द गैस ट्रांसपोर्टेड। वाई मे अलाउ थर्ड पार्टीज टू यूज द रिमेनिंग अनयूज्ड कैपेसिटी ओनली इफ एक्स रिफ्यूजेस to utilize the same. That means X has the right to first refusal. Whether the pipeline meets the criteria for identified asset. Very good question. तो यहाँ पे एक चीज समझिए, एंटिटी एक्स है आपका कस्टमर और एंटिटी वाई है सप्लायर। इसने एक पाइपलाइन सप्लाई की और आपसे सवाल में ये नहीं पूछा लीज है या नहीं, आइडेंटिफाइबल असेट है या नहीं। जैसे आइडेंटिफाइबल असेट बोलते हैं तो क्या याद आना चाहिए कि वो एक तो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में तो है, दूसरा सब्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन राइट्स नहीं होना चाहिए तो एज सच उससे रिलेटेड कोई मैटर है नहीं क्योंकि उसके पास एक ही पाइपलाइन है देख के तो ये लगता है, तीसरा अगर पार्ट ऑफ द कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर हमें ये देखना है कि क्या वो पार्ट आइडेंटिफाइड है, फिजिकली डिस्टिंक्ट है या सब्सटेंशियली होल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये सब्सटेंशियल होल पोर्शन तो नहीं है, ना ही फिजिकली डिस्टिंक्ट है क्योंकि पाइपलाइन तो एक ही है, अब उसमें 60% और 40% गैस अलग अलग कंपार्टमेंट तो बने नहीं है। तो ये लॉजिक से देख के लगता है कि आइडेंटिफाइबल सेट नहीं है, बट होगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन के कारण। वो क्या कि एंटिटी एक्स पेस फिक्स कैपेसिटी चार्ज पर मंथ एंड वेरिएबल अमाउंट विच इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गैस ट्रांसपोर्टेड, सॉरी ये लाइन नहीं। वाई में अलाउ थर्ड पार्टीज टू यूज रिमेनिंग अनयूज 40% कैपेसिटी ओनली इफ एक्स रिफ्यूजेस टू यूटिलाइज द सेम, दैट मीन्स एक्स हैज द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। इसका मतलब अगर एक्स मना कर दे क्या कि नहीं आप दूसरों को नहीं दोगे मैं यूज करूंगा, तो आप बचा हुआ 40% नहीं दे सकते। अब इसी बात है उसके लिए आपको कुछ लीज पेमेंट दे रहा होंगे, वो हमें मतलब नहीं है कि लीज पेमेंट आप कितने कैसे दोगे। मुद्दे की बात यह है कि मेरे पास 60% का राइट ही नहीं है, 100% का है। बस इतना है कि 40% में चाहूँ तो मैं सप्लायर को बोल सकता हूँ कि तू मुझे देने के बजाय किसी और को दे दे।
तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा क्या ये आइडेंटिफाइबल एसेट है, तो हम बोलेंगे कि पाइपलाइन इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट एज द कस्टमर हैज राइट ओवर 100% ऑफ द पाइपलाइन एज इट हैज द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ओवर द बैलेंस 40% एज वेल। ये आपके एजुकेशन मटेरियल का क्वेश्चन है, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आंसर का दिया हुआ है, जिससे आप बाद में अलग से रेफर कर सकते हो, आई विल शेयर दैट विद यू, बट यस दिस इज प्राइमरली व्हाट द बेसिक लॉजिक ऑफ द आंसर इज। एक्स कस्टमर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई सप्लायर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टू राइट टू यूज अ व्हीकल, इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई हैज सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस। तो वाई के पास ऐसे सारे हैं। Why has no substitution right for first 4 years from the commencement of the contract? However, after 4 years, entity Y can substitute the vehicle anytime. The scenario one ke case mein hum bolenge ki there is no substantive substitution right as and asset will be an identifiable asset as substantive substitution right to exist. Should exist throughout the period of use. In this case, it is only after the first 4 years. तो सर ये lease term 4 साल होगी या उससे ज्यादा होगी वो अपन lease term में discuss करेंगे. Next, फिर भी ज्यादा हो सकती है. देखेंगे अपन आगे. Scenario 2. Entity Y has right to substitute vehicle only on occurrence of a particular event, that is say breakdown of the vehicle. तो इस केस में हम बोलेंगे अगेन there is no SSR substantive substitution right, only protective rights are there with supplier Y. तो दोनों केस में substantive substitution rights नहीं है, तो identifiable asset की condition fulfill हो जाएगी, right to direct the use अगली condition होगी, वो पूछा नहीं है। Next, entity Y owns a large shopping center. Customer X enters into a contract to lease a specified retail space for 5 years. तो चेस वाई के पास एक लंबा चौड़ा शॉपिंग सेंटर है और एक्स ने एक स्पेसिफाइड रिटेल स्पेस 5 साल के लिए ली है, तो एक्स हमारा कस्टमर है और वाई हमारा सप्लायर है। मैंने आपको टिप्स दी थी कैसे सॉल्व करना, हमेशा सप्लायर कस्टमर आइडेंटिफाई करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्वेश्चंस में। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वाई कैन रिक्वायर एक्स टू रिलोकेट टू अनदर रिटेल स्पेस विद इन द शॉपिंग सेंटर। वाई विल नीड टू पे कॉस्ट फॉर रिलोकेशन एंड प्रोवाइड एक्स विद अनदर स्पेस ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट। यानी सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं क्या, तो उसकी दो कंडीशन होती है, एक आपके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए सब्स्टिट्यूट करने की और दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट सप्लायर को होना चाहिए। लेट्स सी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं क्या। व्हाई वुड ओनली बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम रीलोकेटिंग एक्स इफ अ मेजर न्यू टेनेंट वर टू मूव इन टेकिंग अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस एट सफिशियंटली हायर रेट देन द एग्जिस्टिंग टेनेंट। दो इट इज पॉसिबल दैट दो सर्कमस्टांसिस में अराइज एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट लाइकली दैट दो सर्कमस्टांसिस विल अराइव। क्या एक्स की सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स होंगी? नहीं, क्योंकि इस शब्द क्या यूज किया है, सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब चेक करना होती है? एट द इंसेप्शन डेट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सब्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन राइट आर टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन of the contract and on the date of inception it is unlikely that supplier will have economic benefits from relocating the customer as the expected benefits on date of inception
लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग द सब्स्टिट्यूशन राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन किसे देना पड़ेगी, वाई को। कब बोलते हैं कोई चीज़ आपके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगी, तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक बेनिफिट्स तभी माने जाएंगे दोस्त, नॉट टू से बट फिर भी बोलना है लिखना है तो आप लिख सकते हो, व्हेन दी बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर सप्लायर। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, और ये सारी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस कर ली है। ये सब कब चेक करना होता है, दिस इज ऑल टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन का डिस्कशन है ये पूरा। तो आगे क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, अभी क्या है वो देखना होगा सर। बाद में कभी अगर हो गया ऐसा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चेक ही आपको डेट ऑफ इंसेप्शन पे करना है। एक बार लीज हो गया क्लासिफाई तो हो गया, खत्म हो गई बात। बढ़िया क्वेश्चन है। एंटिटी एक्स कस्टमर एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद एंटिटी वाई सप्लायर फॉर राइट टू स्टोर इट्स गैस इन अ स्पेसिफाइड स्टोरेज टैंक विच हैज नो सेपरेट कंपार्टमेंट। इंसेप्शन एक्स हैज स्टोरेज राइट्स टू परमिट 60% कैपेसिटी। वाह, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कस्टमर कौन है और सप्लायर कौन है, तो वाई इज द सप्लायर और उसने 60% कैपेसिटी किसको दे रखी है, एक्स को। बचे हुए 40 का क्या? तो सर फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, अरे रिपीट क्वेश्चन नहीं है बेटा, नया क्वेश्चन है। ओके, परमिट यूज ऑफ 60% ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टैंक थ्रू आउट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी जेड अ सब्सिडरी ऑफ एंटिटी एक्स हैज अरेंजमेंट विद एंटिटी वाई टू यूज बैलेंस 40% कैपेसिटी ऑफ द सेम स्टोरेज टैंक थ्रू आउट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 40% इज टू जेड विच इज एक्चुअली अ सब्सिडरी ऑफ एक्स। मजा आ गया सवाल पढ़ के। अब आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाइड असेट है, तो मैं बोलूंगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्स और वाई जेड के दोनों के नहीं होगा, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स में हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ग्रुप एज अ होल के लिए देखें तो उसके पास क्या है, कंट्रोलर ऐसा अलाउड है क्या? बिल्कुल। इंडेस 110 कहता है कि जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग करते हो तो यू हैव द राइट टू रीक्लासिफाई रीमेजर रीरेकग्नाइज एनी पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी और अ कॉन्ट्रैक्ट कीपिंग इन माइंड व्हाट इज द यूज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स और जेड दोनों के केस में ये क्या होगा, इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल एसेट। क्यों? एज द पार्ट ऑफ कैपेसिटी लीस्ट इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंट्स सब्सटैंशियल कैपेसिटी फॉर इंडिविजुअल एंटिटीज। बट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स यस आइडेंटिफाइबल एसेट एज यू हैव बेसिकली व्हाट राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ असेट पे 100% असेट पे, तो ये हो जाएगा। नहीं सर ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे आंसर, आंसर आपको डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट आई एम श्योर इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है यू विल बी एबल टू राइट। इनफैक्ट अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसा होगा इन कंसॉलिडेटेड, इनफैक्ट पहले आप लीग्स की डेफिनेशन लिखना, तो आंसर कैसे बनना चाहिए इसमें, तो सबसे पहले आप क्या करना, पैरा वन जो आप बनाओगे उसमें आप प्रोविजन लिखोगे। प्रोविजन में आप कौन सा पार्ट लिखोगे, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफाइबल सेट है जिसमें पार्ट ऑफ द कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डरली शुड कन्वे द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल सेट फॉर अ पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। इन दिस पर्टिकुलर केस द आइडेंटिफाइबल सेट इज अ पाइपलाइन, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली टू
use the portion of capacity of the pipeline which is physically not distinct as it is not compartmentalized. ये इंटरप्रिटेशन पैराग्राफ में तो पैरा टू आ जाएगा मेरा इंटरप्रिटेशन पैराग्राफ, इसमें बोलूंगा कि कंपार्टमेंटलाइज नहीं है इसलिए वो फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है. हेंस इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई विल नॉट क्लासिफाइड एज अ आइडेंटिफाइबल एसेट. हाउएवर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज एक्स एंड इट्स सब्सिडरी टुगेदर एज अ ग्रुप हैव राइट ओवर सब्सटैंशियली द होल, इन फैक्ट द होल ऑफ द कैपेसिटी, इट विल बी अज्यूम्ड दैट इट हैज इन फैक्ट विल बी ट्रीटेड that the asset is an identifiable asset unless the party has a substantive substitution right. So question padh ke kahin lag nahi raha kyunki specified storage tank likha hua hai, ek specified hai. Is tarah se aapka answer aayega aur fir para 3 mein aap conclusion likh doge ki conclusion hamara hai ki in cases mein nahi hai, scenario 1 mein aur scenario 2 mein hai. Iske baad ek aur badhiya cheez unhone puch liya aur wo ye hai ki क्या आपका आंसर अलग होगा अगर एंटिटी जेड एसोसिएट या जॉइंट वेंचर होती है. तो अगर जेड सब्सिडी की जगह दोस्त एसोसिएट या वेंचर होता तो फिर हम बोलते हैं कि देन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो देयर इज नो आइडेंटिफाइबल एसेट हेंस नो लीज. क्यों? क्योंकि ग्रुप में सब्सिडीज आती है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सब्सिडी के साथ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करते हैं. एसोसिएट जेवीज के साथ हम सिर्फ इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करते हैं तो उसके पोस्ट एक्विजिशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस में अपना शेयर दिखाते हैं बट उसकी असेट लाइबिलिटी अपनी बुक्स में नहीं लाते. तो हम ये नहीं कह सकते कि एसोसिएट और जेवीज के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं 40% कैपेसिटी पे, सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो वी विल नॉट हैव द कंट्रोल ओवर 100% ऑफ द कैपेसिटी, हेंस राइट टू कंट्रोल सब्सटैंशियली होल ऑफ द असेट विल नॉट एग्जिस्ट. तो आप बोलोगे कि नॉट इंटेंजिबल असेट, सॉरी दिस इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल असेट, हेंस नो लीज एज कंपनी एक्स विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर सब्सटैंशियली ऑल ऑफ कैपेसिटी ऑफ द एसेट. इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन मटेरियल में इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा है कि उसे ग्रुप का पार्ट नहीं माना जाता है बिकॉज सब्सिडरी के थ्रू आप कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो तो ग्रुप में वो आएगा. चलिए तो दिस काइंड ऑफ कवर्स अप आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. इतनी सारी मेहनत करके दोस्तों हमने एक इंट्रोडक्शन समझा आज हमारे स्टैंडर्ड का और आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट वेदर इट कंटेन्स अ लीज ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन है या नहीं है, जिसके दो पॉइंट्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइबल असेट, ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किए. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज A3 A4. अब हम डिस्कस करेंगे विच इज गोइंग टू बी अ मच मोर टिपिकल डिस्कशन. इनफैक्ट ये जो डिस्कशन था ये ज़्यादा नॉन न्यूमेरिकल था, ये वाला डिस्कशन न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल दोनों का जिसमें अकाउंटिंग कवर होगी. तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन इज समथिंग विच वील डिस्कस नेक्स्ट. ठीक है चलिए तो इसको अपन अगले सेशन में लेंगे.